इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। हमारा 11वां पारा है इंशाल्लाह। किसी वो म्यूट कर ले, कहीं से आवाजें आ रही हैं। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। हमारा 11वां पारा है या तज़ीरूना जूज 11। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد للإسلام ثم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाह इल्लल्लाह। अल्लाह हमारी मौत के वक्त हमारे ज़बान पे कलमाए शहादत जारी कर दीजिएगा, कलमाए शहादत पे हमें साबित कदम रखेगा, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। 11वां पारा है हमारा। तो हमने जो है तो सूरत तौबा हमारी चल रही थी और जो है इंशाल्लाह हम लोगों ने जो है खत्म किया था, सूरह तौबा पढ़ी थी। फिर हमने जो है सूरह तौबा की आयत नंबर 93 पे हमारा पारा 10वां खत्म हुआ था। आज सूरह तौबा की 94 से हमारा 11वां जो शुरू हो रहा है, तो हम तिलावत सुन रहे हैं 94-95 की इंशाल्लाह। तो जी हम लोगों ने जाना था, समझा था कि सूरत तौबा कुरान की वाहिद सूरत है जिसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है, क्योंकि ये
ऐलान बरात है, बेजारी का इजहार है अल्लाह ताला की तरफ से। इस सूरत में मुशरिकों के से बेजारी का इजहार फरमाया है, इसमें रहमत नहीं है, बेजारी है। तो और इसका दूसरा नाम अलबरा भी है, क्योंकि इस सूरत का एक नाम अलबरा और एक दूसरा तौबा है। तो अलबरा जो है सूरत के शुरू में ही आता है, बरा तुम मिनल्लाहि व रसूल ही। तो हमने 93 पे हमारा 10वां पारा शुरू खत्म हुआ था, एंड हुआ था। 11वां पारा शुरू होता है आयत नंबर 94 से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इसमें जंग तबूक का वाक़ा है, तो हम पढ़ रहे थे जंग तबूक का वाक़ा 94। जब तुम पलट कर उनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के उजर पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार ना करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे, जो खुले और छुपे सबका जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्बे खाएंगे। ये आप समझ से बताया जा रहा है कि मुनाफिक कस्बे खा के नहीं गए थे ना, कि किसी ने कहा था बीवी बीमार है, किसी ने कहा बच्चे को कुछ है, किसी ने कहा घर में कुछ है, तो मुनाफिक जंग पे नहीं गए थे, जंग तबूक पे। तो तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्बे खाएंगे ताकि तुम उनसे सरफे नजर करो, तो बेशक तुम उनसे सरफे नजर कर ही लो, क्योंकि ये गंदगी है, ये मुनाफिक गंदगी है, और इनका असली मकाम जहन्नुम है, जो इनकी कमाई के बदले उन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम उनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी ना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो अपने काम ना करने के उजर बहाने लेकर नबी ससम की खिदमत में पेश होने वाले थे। इशारा है उन मुनाफिकीन की तरफ जो जंगे तबूक में शरीक नहीं हुए थे और उजर बहाने करके पीछे रह गए थे। इसके अलावा कुछ और लोग भी थे जो हकीकी माजूर थे, उनके बारे में पिछली आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी दिफा में बात कर चुके हैं, जो कि हम पढ़ चुके थे कि अल्लाह सुबहाना ताला उनसे राजी है, क्योंकि उन लोगों से अल्लाह सुबहाना ताला अपनी नाराजगी का अब इन लोगों से अल्लाह ताला अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हकीकी माजूर कौन होता है? जो बीमार हो, जिसके पास किसी किस्म के वसाइल ना हो, क्योंकि वहां तो सवारियां चाहिए थी ना, ऊंट और घोड़े वगैरह, तो किसी के पास वसाइल ना हो कोई नेक काम करने के लिए, खुसूसन अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करने के लिए, या जिहाद फी सबीलल्लाह के लिए, यानी माल ना हो, सेहत ना हो, वक्त ऐसा ना हो कि उसके लिए वक्त लगा सके, यानी अपनी जिस्मानी बीमारियों का या तकलीफों की वजह से, या उस पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हो कि जिनकी वजह से उसके पास बिल्कुल कोई मौका ही ना हो, या असबाब सफर ना हो, तो ऐसा शख्स अपनी सच्ची नियत की वजह से अल्लाह सुबहाना ताला के यहाँ माजूर करार पाता है। तो हम देखते हैं हदीस मुबारका में, जैसा कि गज़वा तबूक में वापसी पर आप ससम ने फरमाया, मदीने में कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्होंने कोई रास्ता नहीं चला और कोई वादी तय नहीं की, मगर वो बराबर तुम्हारे साथ रहे, उन्हें उजर ने रोक लिया था, क्योंकि अल्लाह को पता था ना कि सवारी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, तो जंगे तबूक पे नहीं गए थे। तो यही चीज आप ससरम हदीस मुबारक में फरमा रहे हैं कि लेकिन ये तुम्हारे साथ साथ हैं, यानी अल्लाह उनसे राजी है और उनको वही अजर मिलेगा। तो उजर तो मुनाफिकीन ने भी पेश किए थे, उजर इन सच्चे मुसलमानों ने भी पेश किए थे, ये अपने दिल में रखे, लेकिन उनको उनको अजर में शरीक करार दिया गया और मुनाफिकीन को फासिक फाजिर करार दिया गया और सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। बजाय देखने में एक ही अमल है, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम है। तो हर इंसान को जब भी दीन का कोई काम ना कर पाने की वजह बतानी हो तो जरूर सोचे कि क्या ये उजर अल्लाह के यहाँ भी कबूल है, काबिल कबूल है, और क्या ये हकीकी उजर है या सिर्फ बहाने ही हैं। तो ये कौन लोग थे जिनके उजूर कबूल किए गए? ये वो लोग थे जिनके अंदर खैरख्वाही थी, दीन के लिए सच्ची वफादारी थी, और वह दिली तौर पर इस अमल में शरीक थे। उनका शौक था, उनकी तमन्ना थी, उनकी आरज़ू थी कि वो तबुक के जंगे तबुक में जाएं। जब मौका नहीं मिला तो उनकी आंखें आंसू बह रही थी, उनके अंदर हुजन था, गम था, वो आम तौर पर एहसान के दर्जे पर फाइज थे। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हान तआला मेहरबान थे और उनके लिए वो पूरा पूरा अजर लिख दिया गया जो जिहाद में शरीक होने वालों के लिए लिखा गया था। इसके बरक्स मुनाफिकीन के बारे में ये फरमाया, अल्लाह उनसे राजी होने वाला नहीं
और ये बिल्कुल झूठे लोग हैं और उनके निफाक के बारे में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि दरअसल यही मुनाफिक है। और कहा जाता है कि तकरीबन 82-82 अफराद थे जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाय नेम खबर दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से कि कौन कौन हकीकी मुनाफिक हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को सारे मुनाफिकों के नाम बता दिए थे और उन्होंने कभी जिंदगी भर नाम नहीं बताए किसी को। कितने अमानतदार थे ना, तो ये हुज़ैफा बिन यमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे। हदीस से मुबारका देखते हैं, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चंद मुनाफिक ऐसे थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पर तशरीफ ले जाते तो ये लोग आपसे पीछे मदीने में रह जाते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहने पर बहुत खुश होते कि हमारे बहाने काम आ गए। और फिर जब तभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वापस आते तो उजर करने लगते, कस्में खाने लगते और ऐसी बातों पर फिर वो खुश भी होते, बल्कि उनको ऐसे काम पर तारीफ मिलना पसंद आता जो उन्होंने नहीं किया था। यही बुना अयुह मधु कि वो क्या चाहते थे, जो काम नहीं किया उस पर भी उनकी तारीफ हो। तो ये भी मुनाफिकत की एक अलामत है कि इंसान उस तारीफ पर खुश हो जो उसके काम की ना हो, काम किसी और का हो, क्रेडिट उसको मिल रहा हो। जो सच्चा मोमिन होता है वो डर जाता है ऐसी तारीफ से कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये तो मेरी मेहनत नहीं, ये तो किसी और की है और मुझे तारीफ क्यों मिल रही। लेकिन जो मुनाफिकत होती है उसके तौर तरीके हिपोक्रेसी के कुछ और होते हैं जिनका यहाँ जिक्र किया गया। आयत नंबर 97, ये बदवी अरब कुफर और निफाक में ज्यादा सख्त हैं और उनके मामले में इस अमर के इम्कान ज्यादा हैं कि दीन की हदूद से नावाकिफ रहे। जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम और दाना है। इसी बारे में हदीस में आता है कि जो देहात में सुकूनत इख्तियार करेगा वो सख्त मिजाज होगा क्योंकि वहाँ का माहौल ही सख्त होता है, पढ़ने लिखने के मौके नहीं होते हैं, अदब आदाब और तमीज आमतौर पर नहीं होती, उनका कल्चर ही मुख्तलिफ होता है। दीन की तालीमात के जरिए उस कल्चर को भी तब्दील किया जा सकता है। ये नहीं कहा गया कि देहात वाले बुरे लोग होते हैं, कहने का मतलब ये है कि वहाँ इल्म की कमी से, अदब की कमी से और जहनी कामों की कमी की वजह से अमूमन लोगों के अंदर अखलाकी तौर पर मामलात में सख्ती पाई जाती है और इसी वजह से वो दीन को कबूल करने में भी सख्त मिजाज वाक़ होते हैं। 98, इन बदवियों में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो राय खुदा में खर्च करते हैं। बदवी यानी वो जो गाँव के लोग होते हैं ना, इन्हीं बदवियों में क्योंकि ये गांव देहात के लोग, इन्हीं बदवी में क्योंकि ये देहात में रहने वाले हैं, बद्दू हैं, तो ये जब खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में तो उसे अपने ऊपर जबरदस्ती की चट्टी समझते हैं, यानी जकात को जुर्माना समझते हैं और तुम्हारे हक में जमाने की गर्दिशों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके दीन की समझ नहीं। हालांकि बदी का चक्कर खुद इन्हीं पर मुसल्लत है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है, लेकिन सारे बदवी भी एक जैसे नहीं। उन्हीं बदवियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ तकर्रुब का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं। हाँ, वो जरूर उनके लिए तकर्रुब का जरिया है और अल्लाह जरूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, सदका इंसान के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला के खुद का जरिया बनता है। यानी जब आपके दिल में ये चाहत हो कि मैं अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाऊं तो उसके लिए सदका करें, पा छोटी सी कोई चीज क्यों ना करें। यानी जिसका सिला किसी बंदे से ना चाहें, सिर्फ और सिर्फ अपने रब से चाहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला इस बंदे के पास होते हैं जो बंदों की मदद में होता है। हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ल क़यामत के दिन फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा था लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता, हालांकि तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना मांगा था लेकिन तूने उसे खाना ना खिलाया? क्या तू नहीं जानता कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो तू मुझे उसके पास पाता या तू उसे मेरे पास पाता? ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता हालांकि तू तो तमाम जहानों का रब है, तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फलां बंदे ने मुझसे पानी मांगा था लेकिन तूने उसे पानी नहीं पिलाया, अगर तू उसे पानी पिलाता तो मुझे अपने पास पाता। तो अब السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان
بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی, یعنی مقربین کون ہوتے ہیں, والسابقون السابقون اولئک المقربون. سورۃ الواقعہ 10 اور 11 میں فرمایا, تو نیکی کے کام میں سبقت کرنا اللہ کا مقرب بناتا ہے. نیز وہ جو بعد میں راز بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں, اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں کیسی عظیم شان کامیابی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو سعید, جو اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اگر یہ راضی ہو, جس کا ذکر اس آیت میں بھی آیا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, آپ ذرا بتا دیجئے کہ کون کون سی چیزیں ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت مشکل سا کام کرنے کو کہا جائے, لیکن یہ سارا تو دل کا معاملہ تھا کہ دل کے اندر جھانک کر دیکھو کہ کیا اس بات پر راضی ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے, کیونکہ رب جو ہے وہ خالق مالک اور مدبر بھی ہے. تمہارے بارے میں اس کی تدبیریں ہیں, کیا انہیں قبول کرتے ہو؟ تمہاری جو تقدیر ہے کیا تم اسے مانتے ہو؟ یہ ہے رب کو ماننا اور پھر دوسری چیز دین کے اسلام ہونے پر راضی ہونا, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہونا کہ جو کچھ آپ نے دیا وہ سب برحق ہے اور ہمارے فائدے کا ہے. جب بھی کبھی بھی پریشانی ہو, گھبراہٹ ہو, کوئی نقصان ہو جائے, تو بس اپنی تقدیر پہ کہ یہ میری تقدیر تھی, میری قضا تھی, میری تقدیر تھی, لکھا گیا تھا, اور فوراً کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی. مجھے معلوم ہے آپ صبح شام کے اذکار میں پڑھتی ہیں, ابھی حدث کے بعد بھی اثر میں آپ پڑھیں گی. وممن حولکم من الاعراب منفقون 101. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں, اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہاں دوہری سزا سے مراد دنیا کی سزا, قبر کا عذاب, اور بڑی سزا سے مراد قیامت کے دن کی سزا ہے. عظمہ جی, آپ کسی کو آپ جو ہے میوٹ کر لیں گی سب کو؟ کوئی ہماری بہن بھول گئی ہیں اور آواز جی کر دیا جی, جزاک اللہ خیر. ہاں 102, تو میں پھر سے دہراتی ہوں کہ بیچ میں سے آواز آ رہی ہے. دوہری سزا سے مراد دنیا کی سزا اور قبر کی سزا, قبر کا عذاب ہے, اور بڑی سزا سے مراد قیامت کے دن کی سزا. اس آیت کو جا کے ضرور دیکھیے گا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا, ان کا عمل مخلوط ہے, کچھ نیک ہیں اور کچھ بد, بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. تو اب ہم اس اسکرین پہ وہ دیکھتے ہیں, ایک نوٹ دیکھتے ہیں ہم اسکرین پہ انشاءاللہ, اسکرین پہ ایک نوٹ دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ خذو من اموالہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر, ایسا کہتے پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, چلیں آیت نمبر 103, اس کے بعد پڑھتے ہیں. اے نبی, تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو, اور ان کی نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ, اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو, کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے. تو اب دیکھیں, خلطو عملا صالحا واخرا سیئا, اس کو غور سے دیکھیں, کیونکہ یہ ہم میں سے اکثر کا حال ہے کہ کچھ نیک کام کر لیتے ہیں پھر کچھ خرابیاں کر لیتے ہیں. تو جو لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں, ان کو امید بھی رکھنی چاہیے کہ اصل اللہ ان یتوب علیہم, کہ اللہ مہربان ہوگا کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے. لیکن دوسری طرف اس صدقہ
सदके की बात है, मुसलसल सदके का हुक्म आ रहा है, क्योंकि सदका जो है वो इंसानों के जो गुनाह और जो इंसानों की तकलीफें हैं उनको दूर करने का जरिया बनता है। तो फरमाया आप ससम से कि जिन लोगों ने आमाले सवाले और गैर सवाले मिले जुले हैं उनके लिए क्या करो, उनसे सदका लेकर उनको पाक करो, उनके हक में दुआए रहमत करो। तो जो सदका देगा इंशाल्लाह उसके लिए नबी ससम की दुआएं भी काम आएगी और फिर ये दुआएं उनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। तो ये आयत में बताया गया है कि खुज मिन अमवालिहिम सदकतन, सब सदके के फायदे क्या हैं, निफाक दूर करता है, नंबर दो मालों को पाक करता है, तीन नफ्स को पाक करता है, रसूल अल्लाह की दुआ हासिल करने का जरिया है, गम का इलाज है, बीमारियों का इलाज है। तो खूब सदका किया करें। आयत नंबर 104 आगे पीछे अल्लाह की सिफात आ रही है कि वानल्लाह व तवाबु रहीम। आयत 104 क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है। तो तौबा के साथ साथ इस्तफार के साथ साथ सदका खैरात की कसरत, और जब इंसान सदका खैरात करता है बज़ाहिर किसी इंसान को दे रहा होता है, किसी को खिला रहा होता है, किसी को पिला रहा होता है, किसी की आदत कर रहा होता है, किसी खास काम में किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा होता है, वो यूं लगता है कि जैसे बंदों पर एहसान हो रहा है, हालांकि वो दरअसल अल्लाह सुब्हानहु ताला के हाथ में दिया जा रहा होता है, और फिर वो उसकी हमारी नियतों और खुलूस के मुताबिक बढ़ाता है, ख्वाह दुनिया में बजाय जाया होता ही क्यों ना नजर आए, लेकिन जब हमारा दिल में अखलास हो तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है। खालिस नीयत होनी चाहिए सदके की, माल खर्च करने की। 105 वकुली मलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु वल मोमिनून, उन लोगों से कह दीजिए कि तुम अमल करो, अल्लाह उसका रसूल और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है। यानी पहले जो गलतियां तुमसे हो गई हों वो हो गई, अब आइंदा अच्छे काम करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे अमल देख रहा है, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे, जो खुले और छुपे सबको जानता है, और वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करते रहे हो। कुछ दूसरे लोग भी हैं, वह आखरूना मर्जूना ली अमरिल्लाह इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हुआ है, इंतजार में है, पेंडिंग में है, चाहे उन्हें सजा दे चाहे उन पर असर नौ मेहरबान हो जाए, अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। यानी ऐसे लोग, एक तो मुनाफिकीन थे ना जिन्होंने बहाने बनाए, आपसे सबने उनको माफ कर दिया, मत जाओ जंग में, तो आने बहाने बनाते रहे, लेकिन अब ये कुछ मोमिनों का जिक्र है, यानी ऐसे लोग थे जिनका मामला कुछ दरमियाना था, उनके निफाक का फैसला किया जा सकता था और नहीं उनके मोमिन होने का। तो ये भी जो पिछली कैटेगरी उससे मिलते जुलते लोग थे, लेकिन उनके बारे में अल्लाह ताला ने अभी फैसला नहीं दिया, यानी फैसला अभी पेंडिंग है, अभी देखा जाएगा कि क्या अमल करते हैं, और जिस तरह उनका रुख ज्यादा होगा उस तरफ की कैटेगरी में उनको डाल दिया जाएगा। तो फिर असल बात क्या है, अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या देखता है, अमल देखता है कि ये कितने शर्मिंदा होते हैं अपने बुरे अमाल पर, और कितने ज्यादा नेक अमाल करते हैं, और कितनी ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ रग़बत करते हैं। तो हम में से हर शख्स को, मेरी बहनों, अपनी फिक्र करते रहना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को मानकर कितना अल्लाह की तरफ रागिब होते चले जा रहे हैं। तो 107 वल्लज़ीन तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कफ़रू व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन, कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद दिरार का वाक़िया है इसमें, कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई उसकी गर्ज के लिए कि दावत हक को नुकसान पहुंचाए, ये मुनाफिकों ने बनाई थी, अल्लाह की बंदगी की बजाय कुफर करें और अहले ईमान में फूट डालें, और इस इबादत गाह को उस शख्स के लिए कमीनगाह बनाएं जो उससे पहले खुदा और उसके रसूल के खिलाफ बरसरे पैकार हो चुका है, वो जरूर कस्बे खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज का ना था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तो तुम हरगिज इस इमारत में खड़े ना होना, अब आप सबसे से फरमाया जा रहा है कि इस मस्जिद में खड़े ना होना, जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई थी वही उसके लिए ज्यादा मौजूद है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं, अल्लाह को पाकिजगी इख्तियार करने वाले ही पसंद है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी हो,
हो या वो जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसबात पत्थर पर उठाई और वो उसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई हमेशा उनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिसके निकलने की अब कोई सूरत नहीं सिवाय उसके कि उनके दिल ही पारा पारा हो जाए। अल्लाह नहायत बाखबर हकीम और दाना। अब मेरी बहनों, इस आयत में मस्जिद दरार का जिक्र किया गया है। मदीने में दो मस्जिदें थीं जो मुसलमानों ने बनाई थी, एक मस्जिद नबी रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने के अंदर थी और एक मदीने से बाहर मस्जिद कुबा। ये दोनों मस्जिदें रिकमेंडेड थीं, लेकिन मुनाफिकीन अपने कामों के लिए, अपनी मुनाफिकत और अपनी खुफिया सरगर्मियों के लिए एक मरकज चाहते थे। ठीक है, अगर वो ऐसे कोई मरकज बनाते तो सबकी निगाहों में आ जाते, कोई ऐसी इमारत बना। तो उन्होंने मस्जिद की आड़ में अपने लिए कमीनगा बनाने की सोची ताकि वहां पर सब इकट्ठे होकर, उसका नाम रखा मस्जिद दरार, मस्जिद बनाए, वहां पर सब इकट्ठे होकर रातों को मुसलमानों के खिलाफ खुफिया साजिशें कर सकें और बजाय उस पर दीन का पर्दा पड़ा रहे तो किसी को शक भी नहीं होगा। और फिर ये कि चूंकि ये सारी नमाजों में हाजिर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इनको फजर की और इशा की नमाज बहुत भारी होती थी और खुसलाते हुए आते थे, आयत में भी हमने पढ़ा, तो ये दूसरों को धोखा देना चाहते थे कि अच्छा अगर हम इनकी मस्जिद में, मस्जिद नबी या मस्जिद कुबा में हाजिर नहीं होंगे तो ये समझेंगे कि तीसरी मस्जिद में गए। इस तरह उन्होंने अपने अमाल के लिए एक जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह सुबहान तआला इनकी इन हरकतों पर खूब वाकिफ था और खूब जानता था। इसलिए मुसलमानों को इन आयत में जो हमने आयत पढ़ी खबरदार कर दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लोगों से मस्जिद बनाकर ये तकाजा किया, मुतालबा किया कि आप आए और इसका इफ्तिताह करें। तो गजवा तबुक से वापसी पर आपने वादा किया आप ससम ने कि मैं आऊंगा, तो इस पर आप ससम को रोक दिया गया कि आप उनकी मस्जिद का इफ्तिताह नहीं करेंगे। इफ्तिताह करने का मतलब ये था कि एक रिकमेंडेड मस्जिद है, क्योंकि अगर आप ससम इफ्तिताह कर देते तो लोग समझते कि तो रिकमेंडेड मस्जिद है, हालांकि ये तो खुफिया साजिशों के लिए बनाई थी हिपोक्रेट्स ने। तो हमें तो इसमें हमें एक बड़ी अहम बात बताई गई है के दीन के नाम पर कोई ख्वाह कितनी बड़ी इमारत बना ले, लेकिन अगर इसकी बुनियादियों में अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह की रजा नहीं, तकवा नहीं, तो वो काबिल कबूल नहीं। उसमें कोई बरकत नहीं, उसमें कोई खैर नहीं। दीन का काम छोटा हो या बड़ा सिर्फ उस वक्त कबूल होता है जब इसकी बुनियाद दुरुस्त होती है। वो बुनियाद है सरासर अल्लाह की रजा, ना दिखावा, ना रियाकारी और ना लोगों पर एहसान जताना। वो तमाम आमाल जो सबके को बर्बाद कर देते हैं, इन तमाम चीजों से इज्तनाब करना। तो आप सब भी अल्लाह के नाम पर अगर कोई मस्जिद बनाए, मैं भी मस्जिद बनाने वाला काम फजीलत वाला है, तो उसमें ये जरूर देखें कि मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, कोई छोटी सी चीज भी बनाए, लेकिन वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें इंशाल्लाह। इसमें कोई दूसरा मकसद ना हो, कोई अपना नाम बनाना या एहसान जताना या कोई शोहरत चाहना। इसके बरक्स के लोग वाहवा कर उठे और रहती दुनिया तक हमारा नाम बरकरार है, ये सब नियतें नहीं होना चाहिए। ये कि हमारे नाम की एक तारीख मुरतब हो जाए, ऐसी कोई घटिया सोच और नियत इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सोचों के साथ बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह सुब्हान तआला की नजर में बेकार है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि इस मस्जिद का अंजाम क्या हुआ, उसको ढा दिया गया और कहते हैं कि उसके अंदर से धुआं सा निकल रहा था कि जैसे वाकई वो आग में जा गई हो। अस्तग़फिरुल्लाह। तो कुछ अमल जो बजाय नेकी के लगते हैं अल्लाह सुब्हान तआला की नजर में वो बदी से भी बदतर होते हैं, उसका अंजाम बुराई से भी बुरा होता है, वो अल्लाह के यहाँ नेकी शुमार नहीं होती। ये सबक हम बार बार पढ़ रहे हैं, कल भी पिछले दर्स में भी पढ़ा था दुआ कुरान में कि अल्लाह सुब्हान तआला सिर्फ इस अमल को कबूल करते हैं जो खालिसतन सिंसियरली अल्लाह के लिए हो, क्योंकि वह हदीस भी है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार यकीनन नियत पर होता है, आपके इंटेंशन पर होता है। यहाँ पर मस्जिद कुबा के रहने वालों की खास तौर पर तारीफ की गई है कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो पाक साफ रहना पसंद करते हैं, अल्लाह को पाक साफ लोग बहुत महबूब है। दिन में तो इंसान पाक साफ रहता ही है, रात को भी हमें क्या करना चाहिए, पाक साफ होकर सोने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए बावजूद सोना चाहिए। हदीस मुबारका में आता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी बावजू रात गुजारता है एक फरिश्ता उसकी चादर में रात गुजारता है, जब तक वो बंदा रात की किसी घड़ी में बेदार होता है तो फरिश्ता कहता है ए अल्लाह अपने फना बंदे को बख्श दो क्योंकि उसने बावजू होकर रात गुजारी थी। इंशाल्लाह मैं और आप, हमारे सबक है कि हम
बावजूद बिस्तर पे जाएंगे। यानी सारी रात फरिश्ता इस्तफार करता रहता है। यानी एक छोटा सा अमल है, बड़ा ही भारी, बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि जब नींद आ रही होती तो उस वक्त वजू करने से वैसे ही डर लगता है कि सारी नींद उखड़ जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छी नींद आए, बिल्कुल वजू की बरकत से अच्छी नींद आएगी, क्योंकि सारी रात फरिश्ता दुआ करता रहता है ना, तो ये वजू करके सोना चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर हम देखते हैं, यहाँ साफ सुथरे हो तो वो पास आएगा, खुसूसन इबादत के वक्त इंसान अपने बावजू होने का ख्याल करे, जैसे नमाज वगैरह पढ़ना है, क्योंकि कुछ इबादत वजू के बगैर कबूल ही नहीं होती। जो शख्स अल्लाह की खातिर मस्जिद बनाता है, ख्वाब वो कबूतर के घोंसले जितनी क्यों ना हो, अल्लाह सुबहान तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। लेकिन अगर इस मस्जिद के बनाने की भी नीयत खराब हुई तो उस पर कोई अज्र सवाब नहीं मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई मस्जिद तामीर करे जिसमें रिया और दिखावा और शो ऑफ मकसूद ना हो, जिसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। अल्लाह हमें भी इतनी तौफीक दे दे, हम सभी मस्जिदें बनवा लें, मदरसे बनवा लें, अल्लाह उसमें हम दर्स करें, हम सारी बहनें दिन रात बैठे। कल भी आया, पिछले दौरे कुरान में भी आया था कि जुम्मे को भी उसमें सफाई करना भी बहुत पसंदीदा अमल है, मस्जिदों को साफ पाक रखना। तो इंशाल्लाह हमें उनमें से बना दे अल्लाह, हमें चुन ले ऐसे कामों के लिए, अपने कामों के लिए। मुझे पता है सब लोग आमीन कह रहे हैं, आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फितरत में जो है पांच चीजें हैं, फितरत में सफाई की, तो पांच चीजें फितरत में से हैं। सफाई की जो बात आई ना, खतना करना, जेरे नाप बाल साफ करना, बगल के बाल साफ करना, नाखून तराशना, मूछों का कुतरवाना। 111 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ابو حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون سا شخص ہے؟ تو آپ سب نے فرمایا، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے، بہترین ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی۔ ان اللہ اشترا، اللہ نے ان سے خرید لیا ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، کیونکہ اس کے بدلے ان کے لیے یقیناً جنت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یہاں خاص طور پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یقاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا ویقتلونا، ایسے لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چھپا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیں، قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ جیسے معذرین تھے کہ ان کی زندگیاں اس آیت کی عملی تفسیر تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے نفسوں کو اپنے مالوں کو بیچ دیا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، اس میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری امت کی اس ایک جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے، دروازہ کھولو، کیونکہ دروازے بند ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھلیں گے۔ تو دربان ان سے پوچھے گا، تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے کہ کس چیز کا حساب کتاب، کون سا حساب کتاب؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہی، یعنی ساری زندگی ہم ایک ہی کام کرتے رہے۔ تو بس اتنا سن کر وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا، اور وہ اس دروازے سے داخل ہو کر باقی لوگوں سے 40 سال پہلے کا قیل اللہ بھی جنت میں کر چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جب تک باقی لوگ آئیں گے وہ اتنی دیر مزے کر چکے ہوں گے 40 سال پہلے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں مزے نہیں کیے، 40 سال اگر ان کی زندگی تھی تو 40 سال انہوں نے قیل اللہ نہیں کیے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں بہترین طریقے سے ان کو وہاں کمپنسیٹ کر دے گا۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے، اپنی تجارت کرتا ہے، پھر اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجیے، اللہ مجلنا مینہم۔ پھر آیت نمبر 112 بہت زبردست آیت ہے ماشاء اللہ، مومنوں کی جو ہے خوبی ہے، التائبون، توبہ کرنے والے، ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ انسان کے اندر تکبر نہیں،
फौरन झुक जाता है, वो अपने आप को कभी नहीं नेक समझता, अपने आप को बड़ी चीज नहीं समझता। वो कहता है या अल्लाह मैं गलतियां बहुत करती हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, तायबुन तौबा करने वाले और तौबा करते रहते, अलाबिदूना इबादत गुजार, अलहामिदूना अल्लाह की तारीफ करने वाले। हदीस मुबारका है, कयामत के दिन अफजल बंदे वो होंगे जो कसरत से अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। हदीस के मुताबिक अफदलुल इबादल्लाही यौमल कयामती अलहमादून। तो हम्माद कहते हैं जो बहुत ज्यादा तारीफ करे, दुनिया में जो कसरत से अल्लाह का शुक्र अदा करे, तारीफ करे, तो कयामत के दिन बेहतरीन बंदों में से शुमार होगा। और खुशखबरी है उसके लिए जो अपने आमाल नामा में इस्तगफार की कसरत पाए। अस्साइहूना रोजा रखने वाले या अल्लाह की राह में सियाहत करने वाले, ठीक है, रोजा रखने वाले अल्लाह की राह में सियाहत करने वाले, दोनों मतलब होता है। हदीस मुबारका है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल बढ़ाया जाता है, नेकी 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाई जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया सिवाय रोजे के वो खालिसतन मेरे लिए और मैं ही उसका अजर दूंगा। यह है ना, असौमोली व अजीबी, वो मेरी खातिर खाना पीना और अपनी ख्वाहिश छोड़ देता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां, एक खुशी रोजा इफ्तार करते वक्त और दूसरी खुशी रब से मुलाकात करते वक्त। तो असाइहुना का एक मानी रोजेदार और दूसरा मानी सयाहत करने वाले यानी सफर करने वाले। किस काम के लिए? अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, ख्वाह जिहाद का मामला हो, हिजरत हो, दावत दीन हो, लोगों की इसलाह हो, तलब इल्म हो या तालीम दीन हो। हमें और आप जमा होते हैं ना तलब इल्म के लिए यहाँ पे, या मुशाहदा है आसार इलाही हो। तो हम असाइहून है के? हम किस लिए निकले हैं? इसलिए जूम पे आए, लेकिन हमें अजर वही मिलेगा, क्योंकि अगर घरों में हो रहा होता तो हम चल के आते फरिश्तों के पर पे। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से मेरी बहनों, मुझे आप सबको उम्मीद है कि हमें वही अजर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम भी साइहून है, क्योंकि अल्लाह की राह में जूम पर आ गए, यानी या निकलते थे घरों में आते थे, यानी दुनिया में जो मुख्तलिफ तरह की निशानियां अल्लाह की जो बिखरी हुई हैं उनको देखने के लिए सफर हो, जिन्हें देखकर अल्लाह पर ईमान और बढ़ जाए। इसी तरह हलाल रिज़्क़ की तलाश में सफर करने वाले भी असाइहून में आते हैं। फिर उसके बाद अर्राकेऊन रुकू करने वाले, असाजिदून सजदे करने वाले यानी कसरत के साथ नमाजें पढ़ने वाले। हदीस मुबारका है, जब हजरत अनस अबू फरास रबिया बिन काब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपसे कहा कि तुम मुझसे मांगो जो मांगते हो, तो उन्होंने कहा कि जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में साथ चाहते हो तो सज्दे की कसरत कर दो। तो हमें बहुत ज्यादा सज्दे करने चाहिए, हमारी फर्ज नमाजों के अलावा, ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स के अलावा हमें वॉलंटरी प्रेयर्स नफली नमाजें भी पढ़नी चाहिए। ताजुद हो गई, अशराक हो गई, दोहा और चाश्त, ये सब एक ही चीज है। फिर जो है क़यामुल लैल करना, ताजुद पढ़ना, उसके बाद रमजान का महीना साया फिगन होने वाला है, तो उसमें भी तरावी के अलावा भी हम जो है शबीना वगैरह आखिरी अशरे में होता है, तरावी के अलावा वैसे भी आखिरी अशरे से पहले फिर भी ताजुद करें, तो कसरत करेंगे तो आप ससम का साथ हमें मिलेगा। यानी रुकू और सजूद की कसरत करना। हदीस मुबारका है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाह उसके कंधे पर लाकर रख दिए जाते हैं, और जब वो रुकू और सजदा करता है तो सारे गुनाह झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो अब नमाज पढ़ते वक्त बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, ताकि जितने भी गुनाह हैं वो लाकर रखे जाएं, और फिर रुकू खुशी से करना है हत्ता के सारे गुनाह गिर जाएं, सजदा खुशी से करना है, और नमाज को अपने लिए बोझ नहीं समझना। रमजान में ईशा की नमाज एक तो लंबी और फिर तरावी, तो वाकई एक टेस्ट है सबके लिए, लेकिन कुछ लोग बहुत खुशी खुशी उसको अदा करते हैं। शुरू में जरूर तकलीफ महसूस होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान का नफ्स इस मशक्कत का आदी हो जाता है और नमाज आसान लगने लगती है इंशाल्लाह। पिछले साल भी तो पढ़ी थी ना, घरों में पढ़ी थी, अपने बहुत अच्छा फैमिली टाइम मिल गया था। हर हाल में अल्लाह का शुक्र, पेंडेमिक में भी हमें अल्लाह का शुक्र के फैमिली टाइम मिल गया था। हमने अपने घर के मर्दों के पीछे नमाज पढ़ी 30 दिन के बाद, 31 दिन भी ताजुद मुश्किल नहीं रहेगी, तो रमजान के बाद भी फिर ताजुद आसान हुई। तो ये प्रैक्टिस का अच्छा मौका होगा रमजान में, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। उसके बाद फरमाया कौन है मोमिन, उनकी क्या सिफात क्या खसूसियत है, अलआमिरूना बिलमारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकिर, नेकी का हुक्म देने वाले, मुनकिर से रोकने वाले। नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से मना करना भी सदका है मेरी बहनों। लिहाजा अल्लाह के पसंदीदा बंदों की ये सिफात होती है कि वो जब किसी को
किसी को बुरा करते हुए देखते हैं तो चुप नहीं रहते, उसको बताते हैं कि ये बुरा है, ये ना करो, फिर क्या करते हैं, वल हाफिजून अली हुदूद ली हुदूदिल्लाह, वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। आजादी से मुबारक है, आप ससम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा था कि ए लड़के मैं तुझे चंद कलमात सिखा रहा हूँ और तुम इन कलमात की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे। तो इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जिन जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है, हराम कामों से खुद रुकने वाले हों। एक तो है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर, दूसरों को रोकने वाले, और एक है हाफिजूना ली हुदूदिल्लाह, जो खुद हुदूद देखकर रुक जाने वाले कि खुद कोई हराम काम ना करें। तो ये शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, वो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करे। तो जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे तो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करे। अल्लाह की हुदूद से मुराद वो काम है जिनसे अल्लाह ने करने से रोका है, हद से आगे ना बढ़े, और हर मामले में, खाने पीने के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, मर्द औरत के ताल्लुक के मामले में हुदूद को बहुत वाजे कर दिया है। तो इन तमाम हुदूद की इंसान अगर हिफाजत करेगा तो उसकी जान माल और इज्जत महफूज रहेगी, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। उसके बाद आयत नंबर 113, मा काना लिन नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीना, नबी ससम को और उनके उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, जेबा नहीं है कि मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर ये बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। दरअसल ये हुआ था कि सही बुखारी में इसकी तफसीर आती इस आयत की कि नबी ससरम अपने चचा अबू तालिब के आखिरी वक्त उनके पास थे, जबकि उनके पास अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलेल भी था, अम्मी वो भी था, बैठे हुए थे। तो आप ससरम ने फरमाया चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, क्योंकि अबू तालिब आपके चचा बहुत मोहब्बत करते थे, आपका बहुत ख्याल किया था, हालांकि मुशरिकों से भी वो शिकायत लेके आते थे तो लड़ लेते थे, आप ससरम का साथ देते थे हालांकि मुसलमान नहीं हुए थे। तो आप ससरम ने फरमाया चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूं। अबू जहल अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा ए अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के मजहब से इनहराफ करेगा? तो इस हाल में इंतकाल हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कलमा नहीं पढ़ने दिया उन्होंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे रोक नहीं दिया जाएगा, मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा, जिस पर ये आयत नाजिल हुई कि जिसने मुशरिकीन के लिए मग़फ़रत की दुआ करने से रोक दिया गया है। ठीक है, ये सही बुखारी में है। तो कुफार और मुशरिकीन के लिए हिदायत की दुआ करनी जायज नहीं है। ठीक है, हमको बुला सकते हैं कि आओ दीन की तरफ आओ दीन की तरफ आओ, लेकिन उनके लिए हिदायत की दुआ करनी जायज नहीं, ये आयत से पता चलता है। 114 मगफरत की दुआ, जी हाँ, मगफरत की दुआ, हिदायत की दुआ, मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। जैसे वो मगफरत मांग रहे थे ना अपने अबू चचा के लिए, इस्तिगफार कर रहे थे ना, तो ये आयत उतर गई। ठीक है, वो माकान अलिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन, नबी ससम को और उन लोगों को जो ईमान लाए, जेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर ये बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक है। ठीक है, लेकिन दावत दीन जरूर देना है ना सबको, मुशरिकों को, काफिरों को, सबको, ताकि वो मुसलमान हो जाए और जन्नत में चले जाए। हमारी तो हर इंसानियत के लिए फिक्र होनी चाहिए कि सब अल्लाह ताला उनको दीन नसीब हो जाए। आयत नंबर 114, इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो, अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए जो दुआएं मगफरत की थी तो इस वादे की वजह से की थी कि उसने अपने बाप से किया था, मगर जब उस पर ये बात खुल गई कि उसका बाप खुदा का दुश्मन है तो वो इससे बेजार हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बेजार हो गए अपने वालिद की मगफरत की दुआ। हकी है कि इब्राहिम बड़ा रफीकुल कल्ब, खुदा से डरने वाला और बुरबाद आदमी था। इन्ना इब्राहिमा लअव्वाहुन हलीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दर्दमंद और तहम्मुल वाले थे। अव्वाह कौन होता है? हर वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाला, और हलीम जो गुस्सा नहीं करता, दूसरे का कसूर पर उसको पकड़ता नहीं। कल भी ये आयत आएगी अवाउन हलीम, तो उसको दोबारा भी हम पढ़ेंगे। अल्लाह का ये तरीका नहीं कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुबला करे, जब तक कि उन्हें साफ साफ बताना जाए कि उन्हें किन चीजों से बचना है। यानी पहले अल्लाह ताला हराम हलाल वाजे करते हैं, फिर पकड़ते हैं। हकीकत अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, और ये भी वाक़ है कि अल्लाह ही के कब्जे में आसमान और जमीन की सल्तनत है, उसी के इख्तियार में जिंदगी और मौत है। तो और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं
जो तुम्हें उससे बचा सके। 170 अल्लाह ने माफ कर दिया उन महाजरीन और अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जंगे तबूक के सफर को तंगी का जैशुल अशरा, तंगी का काफला या लश्कर कहा जाता है। ठीक है, इस आयत में भी है सातिल उसरती, तो उसको जैशुल अशरा तंगी का वाकया कहा जाता है जंगे तबूक को। अल्लाह ने माफ कर दिया उन महाजरीन और अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी ससम का साथ दिया, यानी गजवा तबूक के मौके पर जो छोटी मोटी लफ्जिशें हुई उन सबको आपकी माफी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि मुश्किल वक्त में लोगों ने दीन का साथ दिया था। इसलिए पता चलता है कि जो काम हम जितनी तकलीफ के साथ करते हैं उस पर उतना ज्यादा अजर मिलता है और गुनाहों की माफी भी उतनी ज्यादा होती। अब आप तकलीफ उठा के आती थी ना पिछले साल भी चल के सुबह के वक्त शाम के, मतलब जब भी हमें मौका होता था करते थे, उसके अजर भी बहुत ज्यादा है। अभी भी हम बैठते हैं दो घंटे, हम आप ससम की सुन्नत को फॉलो करते हैं कि रजब से आप ससम अपने अहलो आयाल को कस देते थे इबादत के लिए, रमजान की तैयारी करवाते थे, तो माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे हमें इंशाल्लाह अजर दे। अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चले थे, यानी मुश्किल वक्त देखकर वो भी घबराने लगे थे, तो अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है कि कौन नेकी के रास्ते में खुशी से आगे बढ़ रहा है कौन मजबूर। मगर जो उन्होंने इस कजी का इत्तबा ना किया बल्कि नबी का साथ दिया तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। अल्लाह ताला दिल के उन हालात पर उनका मुआवजा नहीं करेगा कि तुमने खुशी से क्यों नहीं ये राह अख्तियार की थी, तुम्हें तकलीफ क्यों हुई थी या तुम्हें मुश्किल क्यों लग रहा था। इंसान है, कमजोर है, हम सब में कमजोरियां हैं। बहुत सी नेकी के काम, मसलन वजू करना बाज़ वक्त मुश्किल काम लगता है, नमाज पढ़ना मुश्किल काम लगता है बाज़ वक्त, तो हर इंसान पर कुछ ना कुछ ऐसे हालात और वाकयात गुजरते हैं जब नेकी का एक बहुत बड़ा मौका उसके सामने होता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तो ऐसे में इंसान को नेकी से रुकना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा आप जब दिल ही साथ नहीं तो फिर नेकी क्या करें। नहीं, दिल को छोड़ें, जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस कर गुजरें। जब आप अल्लाह का हुक्म समझ कर गुजरेंगे तो अल्लाह दिल का साथ ना होने को भी माफ कर देगा, वरना गुनाह दो गुनाह इकट्ठे हो जाएंगे, एक तो दिल का साथ ना होना, एक और नेकी के मौके को गवा देना, खासतौर पर वो नेकी जिसके करने का हुक्म फर्ज के दर्जे पर हो, तो इसलिए कोई उजर बहाने नहीं तलाश करने चाहिए। तो बेशक अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, और अलग सलासतिल लजीना खुल्लिफू, और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामले को। अब गौर से सुने, ये वाकया भी हम जानेंगे कौन है ये तीन लोग जो तंजंगे तबूक पे मुसलमान थे, सवारी भी थी, सब कुछ था, सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन आज जाएंगे कल जाएंगे सुस्ती की वजह से नहीं गए। तो ये पूरा वाकया आज हम पढ़ते हैं। इन तीनों को भी उसने माफ कर दिया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब जमीन उन पर अपनी वसत सारी वसत के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जाने भी उन पर बार हो गई। उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पना खुद अल्लाह ही के दामन रहमत के सिवा नहीं, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आए, यकीनन वो बड़ा माफ करने वाला रहीम है। ये तीन लोग कौन थे? ये नंबर एक काब बिन मालिक, बिलाल बिन उमैया, बिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी, ये रिजवानुल्लाह ताला अजमईन, ये तीन साहबी थे। ये तीनों सच्चे मोमिन थे, बहुत मुखलिस थे, बार बार कुर्बानियां कर चुके थे। अब आप देखें इतनी कुर्बानियों के बाद इनको कैसी पनिशमेंट मिली, देखें सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से आज चले जाएंगे कल चले जाएंगे, जंगे तबूक नहीं गए। तो ये बार बार कुर्बानियां कर चुके थे। उनमें से आखिरी दो लोग तो गजवा बदर के शुरका में से भी थे, यानी उमैया और मरारा बिन रबी, जिनके बारे में पता है जंगे बदर वालों का तो बड़ा एजाज है, बहुत एजाज मिला उनको, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐलान कर दिया था कि अब तुम जो मर्जी करो तुम्हें माफ कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने गजवाए तबूक के मौके पर सुस्ती दिखाई तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से उन पर सख्त गिरफ्त हो गई। अब देखे कैसी गिरफ्त है, नबी सल्लम जब तबूक से वापस तशरीफ लाए तो हसबे मामूल आप लोगों से जंग के बाद वापस आकर मुलाकात किया करते थे, तो जब ये लोग मिलने गए के लिए आए तो आपने तमाम मुसलमानों को इससे मना कर दिया कि इनसे कोई सलाम कलाम ना करें, सोशल बायकॉट, क्योंकि पक्के सच्चे मुसलमान थे ना, और तबूक पे नहीं गया। अब मुनाफिकों को कुछ नहीं कहा, उनको जो है पहले ही शुरू में उन्होंने कह दिया बीवी बीमार है, फलाना है, ये घर अकेले, उनको छोड़ दिया कि नहीं जाओ जंग पे। लेकिन इन लोगों को आप सब ने फरमाया कि इनसे सलाम कलाम ना करो, सोशल बायकॉट, कोई एक मिनट हमसे बात ना करे तो हमारा, एक दिन ना बात करे तो हमारा हाल बुरा हो जाता है। और इनके लिए ये गिरफ्त जो थी 40 दिन के लिए थी, 40 दिन के बाद उनकी बीवियों को भी उनसे अलग रहने की तलकीन कर दी गई। इस वाक़े को अब दो तीन में से एक साबी जो है ना काब बिन मालिक उसको रिवायत करते हैं। अब सुने गौर से,
इस और ये आयत 118 सूरह तौबा को जाके देखिएगा गौर से, इस वाक़े को आप ही सोचिएगा कि क्या वाक़ था। इस वाक़े को काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत तफसील के साथ बयान किया है कि गज़वा तबुक की तैयारी के ज़माने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से जंग की अपील करते तो मैं दिल में इरादा कर लेता कि मैं भी चलूंगा, लेकिन फिर सुस्ती कर लेता कि अभी तो चलने में बहुत वक्त है, वक्त आएगा तो हम चल ही देंगे। लेकिन फिर जब वक्त आया और सब लोग चले गए और मैं पीछे रह गया, कहते हैं कि जब मैं पीछे रहा तो मैं देखता हूँ कि मेरे साथ मदीना में या मुनाफिक है या ज़ईफ़ लोग है, ज़ाहिर है मुनाफिक नहीं गए या ज़ईफ़ लोग नहीं गए, कमज़ोर लोग नहीं गए, बूढ़े लोगों के नहीं गए, और मजबूर लोग हैं, वो मजबूर जिनके पास सवारी और रिसोर्सेज नहीं थे, जिन्हें अल्लाह ने माजूर रखा है। कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ़ लाए और हज़्मे मामूल आपने आकर दो रकात नमाज अदा की और फिर लोगों से मुलाकात के लिए बैठे तो मुनाफिकीन ने मजलिस में आकर लंबे चौड़े उजर पेश किए और अपनी झूठी बनावटी बातें आप ससम के सामने रख दी सारे हिपोक्रेट्स ने, ताकि इनका बहाना कबूल कर लिया जाए और उनकी जान छोड़ दी जाए। लेकिन कहते हैं कि मैं मुनाफिकीन के बाद जब मैं आपके सामने आया, कौन वाकया बयान कर, कौन कह रहे हैं, काब बिन मालिक, ठीक है याद रखिए, तो आपने मुझसे पूछा, तीन जो तीन नहीं गए थे उनमें से एक है, कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तुम्हारा क्या मामला था। कहते हैं कि मैंने बढ़कर सलाम किया और अर्ज किया, अल्लाह की कसम अगर मैं अहले दुनिया में से किसी के सामने हाजिर होता तो अल्लाह की कसम जरूर कोई ना कोई बात बनाकर उसको राजी कर देता, लेकिन बातें बनानी तो मुझे भी आती है, मगर आप सरसम के बारे में मैं यकीन रखता हूँ कि उस वक्त अगर कोई झूठा उज़्र पेश करके मैंने आप सरसम को राजी कर भी दिया तो जरूर अल्लाह आपको मुझसे नाराज कर देगा, अलबत्ता अगर मैं सच कहूंगा तो चाहे आप नाराज ही क्यों ना, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई माफी की सूरत पैदा कर देंगे। गर्दन पे छुरी भी फिर रही हो ना तो सच बोले, झूठ कभी ना बोले, एक सच इतना सच बोलता है कि वो सिद्दीकीन में लिखा जाता है, ये हदीस आप लोग पढ़ चुके हैं ना। वाकई ये कि मेरे पास कोई उज़्र नहीं जिसे मैं पेश कर सकूं, मैं जाने पर पूरी तरह कादिर था, तो इस पर हुज़ूर सल्लम ने फरमाया कि ये वो शख्स है जिसने सच्ची बात कही, फरमाया अच्छा जाओ उठो और इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मामले में कोई फैसला कर दे। वो कहते हैं कि मैं उठा और अपने कबीले के लोगों के पास जाकर बैठा और सब मुझे मलामत करने लगे कि तुमने क्यों ना कोई उज़्र कर दिया। कहते हैं मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं भी कोई उज़्र कर दूं, यानी जाके कोई बात बना दूं आप ससम, लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा, खुसूसन जब मैंने देखा कि मेरे अलावा और लोग भी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल सच बात बताई थी, यानी वो दो और साबी हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी, और किसी किस्म का कोई बहाना नहीं किया, तो उससे मेरे दिल को और तसल्ली हो गई। उसके बाद नबी ससम ने हुक्म दे दिया कि कोई शख्स भी उनसे कोई बात ना करे। कहते हैं कि वो दो लोग तो घर बैठ गए, बिलाल बिन उमैया और मरारा बिन नबी, लेकिन मैं निकलता जमात के साथ नमाज पढ़ता, बाजारों में चलता, लेकिन कोई मुझसे बात ना करता। ऐसे मालूम होता कि जैसे मदीने की सरजमीन ही बदल गई और मैं यहाँ अजनबी हूँ और मुझे कोई भी नहीं जानता। मस्जिद में जाता, हज़्मे मामूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, लेकिन इंतजार ही करता रह जाता और आपकी तरफ से जवाब ना आता। नमाज में नजरें चुराकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता, आपकी निगाहें मुझ पर कैसे पड़ती हैं, मगर हाल ये था कि जब तक मैं नमाज पढ़ता तो आप मुझे देखते और जब मैं सलाम फेरता तो आप ससम अपनी निगाह फेर लेते। एक रोज मैं घबराकर अपने चचाजाद भाई और बचपन के दोस्त अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु के पास गया और बाग की दीवार पर चढ़कर सलाम किया। दरवाजे पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोलते, क्योंकि सोशल बायकॉट था अल्लाह और रसूल की तरफ से कि जंगे तबूक में नहीं गए थे। तो मैं बाग की दीवार चढ़कर सलाम किया, मगर अल्लाह के बंदे ने जवाब तक ना दिया। मैंने कहा कि अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता। तो वो खामोश रहे, तो मैंने फिर पूछा, वो फिर खामोश रहे। तीसरी बार जब मैंने कसम देकर पूछा, उन्होंने कहा बस अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते। यानी आप देखें अल्लाह ताला का हुक्म, रसूल ससम की पैरवी, यानी जब ये हुक्म आ गया तो कोई सोशल बायकॉट सबने क्या कोई बात नहीं कर रहा था, सब अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे, यानी किसी भी हाल में वो बात करने को राजी नहीं। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं दीवार से उतर आया। इन्हीं दिनों में एक दफा, अब आगे सुने, इनको लालच दी गई। इन्हीं दिनों में मैं एक दफा बाजार से गुजर रहा था, शाम के टिपकियों में से एक शख्स मुझे मिला। उसने शाह गसान का, बादशाह गसान का एक हरीर रेशम में लपटा हुआ खत मुझे दिया। मैंने खोलकर उसे जो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, हमने सुना है कि तुम्हारे साथी ने तुम पर बहुत जुल्म व सितम तोड़ रखा हुआ है, यानी तुम्हारे साथी मोहम्मद सजम, तुम कोई जलील आदमी नहीं हो, तुम इस लायक नहीं कि तुम्हें जाया किया जाए, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी कदर करेंगे। अब देखिए दूसरी तरफ से कितनी शानदार ऑफर आई है
कि गसान जो है बादशाह बुला रहे हैं। मैंने कहा एक और बला नाजिल हुई, उस वक्त मैंने खत को चूल्हे में झोंक दिया, हालांकि वो एक बादशाह का खत था, ऑफर थी। ऐसे वक्त में जब उन पर शदीद वक्त गुजर रहा था, पूरे मदीने में से कोई एक शख्स भी उनसे नहीं बोल रहा था, 40 दिन इस साल में गुजर गए, कोई नहीं बोला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया कि अब बीवी को भी अलग कर दो। मैंने पूछा कि क्या तलाक दे दूं, फरमाया नहीं, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। तो उन्होंने अपनी बीवी को भी उनके मैके भेज दिया। 50 दिन के बाद कहते हैं कि मैं सुबह के वक्त में नमाज के बाद अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था और अपनी जान से बेजार हो रहा था। अब देखिए ना, सोचिए ना, 40 दिन तक कोई आपसे बात ना करे तो कितनी शदीद तकलीफ होगी, पूरा शहर बात ना करे, पूरा मदीना शहर। अगर सिर्फ कोई एक दिन के लिए बात ना करे, सारा दिन खामोश रहना पड़े, तो यूं लगता है कि कोई हमें टॉर्चर कर रहा है। और कहा ये कि 50 दिन तक, तो कहते हैं कि यकायक किसी ने पुकार कर कहा कि मुबारक हो काब बिन मालिक, मैं ये सुनते ही सज्दे में गिर गया, मुझे मालूम हो गया कि मेरी माफी का हुक्म आ गया। फिर लोग फौज दर फौज भाग भाग कर मेरे पास आ रहे थे, एक से एक बढ़कर मुझे मुबारकबाद दे रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। मैं उठा और सीधा मस्जिद नबी की तरफ चला गया। नबी ससम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक रहा था। मैंने सलाम किया तो फरमाया तुझे मुबारक हो, ये दिन तेरी जिंदगी में सबसे बेहतर है। मैंने पूछा माफी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? सोचिए कि जब तक अल्लाह माफ ना करे तो दुनिया भी माफ कर दे तो फायदा नहीं। आप ससम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। फिर ये आयत सुनाई जो हमें आयत पढ़ रहे ना, वो अल्लाह सलासीना खुल्लफू। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या मेरी तौबा में ये भी शामिल है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं? फरमाया कुछ रहने दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते हैं कि मैंने अपने खैबर का हिस्सा, जो खैबर की जंग में माल गरीब हिस्सा मिला था ना, मैं अपना खैबर का हिस्सा रख लिया और सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया, उस शुक्राने के तौर पर जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे माफी दे दी, मेरे गुनाह को माफ कर दिया और सच्चाई की वजह से मुझे माफ कर दिया, क्योंकि मुनाफिकत के साथ तो माफी हो नहीं सकती। और देखें खैबर के हिस्से के अलावा सारा माल दे दिया। हमारा भी अल्लाह इतना बड़ा दिल कर दे कि यानी कि गुनाह के बाद देखे कोई माफी में माल भी देना चाहिए। देखे उन्होंने अपना सारा माल दिया। इस वाक्य से चंद सबक हमारे सामने आते हैं। उनमें से सबसे अहम सबक ये कि जब हम अहम तरीन ड्यूटी पर हों तो उस ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी किसी शख्स को जिम्मेदारी दी जाती, अब हमें बगैर आखिरी मैसेजेस के अलावा भी आ जाना चाहिए। देखे कैसी पकड़ होती ना मोमनों की, मुनाफिकों को तो छोड़ दिया, वो तो जाएंगे ही जहन्नम में, और मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। तो इसे हर सूरत पर पूरा कर। अच्छा, नंबर एक, अहम तरीन ड्यूटी हो तो उस ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी किसी शख्स को जिम्मेदारी दी जाए तो उसे हर सूरत पूरा करना जरूरी होती, वरना उसे कबूल ही ना करे। दूसरी बात यह कि इससे ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन का ईमान और तकवा कैसे था। किसी ने चोरी छुपे भी कोई बात उनसे नहीं की, सरगोशी में भी नहीं की, इतना ईमान पक्का था। अल्लाह की कसम देकर बात की तब भी बात नहीं की, सिर्फ इतना क्या कहा कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है। उसके मुकाबले में बादशाह का खत मिला तो उस पर कोई कान नहीं धरे, दुनिया नहीं चाहिए थी, यानी दुनिया की किसी लालच पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ईमान था और यकीन था कि आज अगर बख्शिश नहीं हुई तो कल बहुत बड़ा दिन है पकड़ का, वहां भी बख्शिश नहीं होगी। तो उस दिन से डरना चाहिए, गलतियों का एतराफ कर ले, झूठ बोला है तो बोले मैंने झूठ बोला, माफिया मांग ले, लोगों को माफ कर दें। लेकिन हम अपने अखलाक और किरदार का मुआवजा करें इन साहबा के अखलाक और किरदार से, कि अगर दीन की वजह से हम पर कोई आजमाइश और मशक्कत आए तो हमारा तर्ज अमल और रवैया क्या होता है। हम अल्लाह सुब्हान तआला और अल्लाह के रसूल से, ईमान वालों से कैसे कैसे बदगुमान होते हैं और ऐसे दीन को ही अपने दीन को ही बुरा भला कहने लगते हैं जिसमें सजा का कोई उंसर पाया जाता हो। हालांकि इंसानों की इस्लाह के लिए सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही काफी नहीं होता, उनके लिए बार दफा सजा देना भी जरूरी होता। बच्चों को सजा देती है ना जब पढ़ते नहीं, और बार दफा एक को अगर सजा दे दी जाए तो सबके लिए वो एक नमूना है, इबरत बन भी जाता है। तो बहरहाल जो अहम तरीन सबक है वो यही है कि फर्ज से कोताही, फर्ज से गफलत अल्लाह के यहाँ पकड़ का जरिया है। सुस्ती और कोताही से बचने के लिए भी दुआ करना चाहिए। तो हम दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल, वो स्क्रीन पे भी आ जाएगी, मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व गलबती दैनी व कहरी रिजाल, क्योंकि सुस्ती की वजह से इंसान बाज़ औक़ात नेकी के बहुत से मौके को खो देता है जो कि जिंदगी में बस एक ही दफा आते हैं, दोबारा नहीं आती। तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए, जो नेकी के काम करने का मौका मिला है उसे कर डालिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तर्जुमा मैं नहीं पढ़ रही हूँ। या 119 या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मा सादिकीन, देखे आ गई आयत, ए लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से डरो
और सच्चे लोगों का साथ दो। सच्चे लोगों का साथ, ख्वाह उनकी तरफ से कोई तकलीफ भी तुम्हें क्यों ना पहुंचे, दोस्ती का मैार बता दिया गया सच्चाई और इखलास। 120 मदीने के पाशिंद दो गर्दे नवा के बदियों को यह हरगिज़ ज़ेबा ना था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठ रहे थे, यानी ये पीछे रहे तो रहे क्यों और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने नफ्स की फिक्र में लग जाते, इसलिए कि कभी ऐसा ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख प्यास और मशक्कत की कोई तकलीफ वो झेलें और मुनकरीन हक को जो राह नागवार है उस पर कोई कदम वो उठाए और किसी दुश्मन से अदावत हक का कोई इंतकाम वो ले और उसके बदले उनके हक में एक अमल सवाले ना लिखा जाए, यानी वही नियत का इखलास जो पारे के शुरू में बयान हुआ। यकीनन अल्लाह के हाँ मोहसिनों का हक उल खिदमत मारा नहीं जाता। इन अल्लाह ला युदीउ अजल मोहसिनीन वला युनफिकूना नफकतन सगीरतन वला कबीरतन। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि राय खुदा में थोड़ा या बहुत कोई खर्च वो उठाए, कोई वादी वो पार करे और उनके हक में उसे लिख ना लिया जाए कि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामे का सिला उन्हें अता करे। यानी अल्लाह सुब्हान तआला इंसान के हर अमल को खूब खूब कबूल करता है, अगर वो कर नहीं सकता किसी उजर मजबूरी की वजह से तो उसकी नियत को कबूल कर लेता है। वमा कान अल मुमिनूना लियनफिरू काफतन, और कुछ जरूरी ना था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते, क्योंकि गज़वा तबूक में सबको निकलने का हुक्म दिया गया था, तो इससे ये अंदेशा हुआ कि लोगों के जहन में ये ख्याल ना हो कि आइंदा भी हर जंग में हर एक को ही निकलना है। फरमाया मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते। इसके बाद फी सबीलिल्लाह का काम वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक है मैदान जंग में लड़ना और एक है इल्म के मैदान में जद्दोजहद करना, कि जिस तरह कुछ लोग सरहदों की हिफाजत करेंगे फी सबीलिल्लाह, इसी तरह कुछ लोग जहन के ऊपर इफ्कार की अलगार जो इंसान को अल्लाह उसके रसूल से दूर कर देती है, मुतनफ़िर कर देती है, उसको फाइट बैक करने के लिए अपने आप को तैयार करे कि दीन का सबक दें। दीन की समझबूझ पैदा करना, यहाँ अल्लाह ताला ने दीन की समझबूझ पैदा करना, दीन का सीखना सिखाना जिहाद फी सबीलिल्लाह के बराबर करार दिया है। तो आप जो ये आ रही हैं वो पढ़ने वो क्या कर रही हैं, इसको ये आयत कह रही है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, ठीक है। अब माशाल्लाह हफ्ते में 4 दिन पढ़ते हैं, 3 हमारे उर्दू के होते हैं, 1 इंग्लिश का सैटरडे को हमारा होता है, तो ये कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं कि इसको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम करा दिया। और वापस जाकर अपने इलाकों के बाशिंदों को खबरदार करते ताकि वो भी बच जाते, वो भी डरते। इल्म हासिल करना है फिर उसको फैलाना है, तो इससे ये पता चलता है कि दीन की तालीम का काम ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए मराकज़ कायम किए जाएं ताकि लोग गाँव से, देहातों से, दूर दराज के इलाकों से जहाँ ऐसे सीखने सिखाने की सहूलत मौजूद ना हो, उस्ताद ना हो, वो सफ़र करके किसी एक जगह पर जमा हो, वहाँ पर दीन सीखें और फिर सीखने के बाद वापस जाकर अपने इलाके में दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि दीन में समझबूझ हर इंसान का हक है। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह की इबादत उस वक्त हो नहीं सकती जब तक इबादत का तरीका मालूम ना हो, जब तरीका मालूम नहीं हुआ, जब वजू का तरीका ही मालूम नहीं तो वजू दुरुस्त नहीं होगा, और अगर वजू दुरुस्त नहीं है तो नमाज दुरुस्त नहीं, अगर वजू दुरुस्त है और नमाज का तरीका नहीं मालूम तो नमाज दुरुस्त नहीं, और नमाज दुरुस्त नहीं तो वह कबूल नहीं। इस तरह ज़कात देने का तरीका पता नहीं तो लोग ज़कात ही नहीं देंगे, इसकी अहमियत नहीं पता तो उस पर तवज्जो नहीं देंगे। हज और इसी तरह बाकी दीन के बाकी तमाम हलाल और हराम इन चीज़ों की तालीम को आम करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जो इस आयत में बताया गया ये एक फरीजा है। हदीस मुबारक है तलबुल इल्म फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म को हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है, इसलिए हमें जान और माल दोनों लगाने की जरूरत है। जिसको अल्लाह जितना भी मौका अता करे, ये तकसीम कार यहाँ बता दी गई, डिवीजन ऑफ वर्क बता दी गई, क्योंकि लोगों की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग मैदान जंग में जाकर ज्यादा काम बेहतर कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पर ज्यादा ताकतवर होते हैं, और कुछ लोग दिनी तौर पर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल ज्यादा होते हैं, या पढ़ने लिखने का शौक ज्यादा रखते हैं, या दर्स व तदरीस या तालीम और आलम का काम बेहतरीन तरीके पर कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसे सर्कल्स बनाने चाहिए, ऐसी जगह, ऐसे सेंटर्स, ऐसे मुकामात, ऐसे मराकज़ चाहिए कि जहाँ पर ये काम करें, और दुआ करनी चाहिए हमें। मेरी बहनों दुआ कर लें कि हमसे भी अल्लाह कोई ऐसा काम ले, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई मस्जिद, ऐसा कोई मदरसा। हम 10 साल से जमा होते हैं, हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जरूर दुआ सुनेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो हमें भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे शुरू कर दिया था, जूम पे पहले भी थोड़ा 1-2 दर्श रखे थे, क्योंकि पेंडेमिक आने से पहले कि हमारे घर छोटे हैं, हमारे शौहर और बच्चे घर में होते थे, हो नहीं पाता था, तो अल्लाह ताला से हमने जब से दुआ मांग रहे हैं कि हमें कोई जगह दे।
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब हम देने की नियत से दाखिल होंगे और देने की नियत से ही हम ये काम सीखेंगे सिखाएंगे, तो बाकी सारे काम अल्लाह के जिम्मे है। हमें लेना नहीं है, हमें देने वाला बनना है, ठीक है, हमें देना है इंशाल्लाह। तो क्या होगा कि जब हम अल्लाह के बाकी सारे काम अल्लाह के जिम्मे हो जाएंगे, जब हम नियत करेंगे, गैब की तरफ गैब से अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन अगर हम इस काम को नहीं करते तो फिर अल्लाह के यहाँ पूछ भी बड़ी सख्त है कि ये सारा इल्म किस लिए सिखा, ये सारी फैसिलिटीज और सहूलतें किस लिए थी ताकि तुम ये काम ना करो। तो इसलिए इस आयत को फिर गौर से जाके घर पे भी पढ़िएगा। वमा कानल मोमिनीना लियनफिरु काफा, कुछ ऐसा जरूरी ना था कि सारे मोमिन ही निकल पड़ते हैं। इसको पढ़िएगा। नफर का मतलब है जंग के लिए निकलना, ठीक है, नफरन का मतलब है जंग के लिए निकलना। फिर फिर क्यों ना निकली एक जमात हर बड़े गुरुओं में से कि वो दीन में समझबूझ करे, क्योंकि सब लोगों का शहरों में आकर या बड़े मराकज में आकर सीखना आसान नहीं है, हर शख्स के पास इतने वसाइल भी नहीं है और जिम्मेदारियां भी ऐसी होती हैं कि वो घर नहीं छोड़ सकते। तो जिन लोगों को अल्लाह ने मौका और तौफीक दिए वो घर छोड़कर सीखें और वापस जाकर वली यंजुरु कौमहुम, अपनी कौम को, अपनी बस्ती को, अपने इलाके को, अपने लोगों को, अपने खानदान को सिखाएं। इजा रजऊ इलैहिम, जब उनकी तरफ लौट कर जाएं, लअल्लहुम याजरून, ताकि वो भी डरने लग जाएं, क्योंकि अल्लाह के कलाम से डरेंगे ना सब, यानी अल्लाह का डर इस दीन के इल्म की वजह से जो आपके अंदर पैदा हुआ है उनके अंदर भी आ जाए। और इस इल्म के सीखने की फजीलत कितनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह के वक्त इसके लिए मस्जिद की तरफ निकला कि भलाई सीखे या सिखाए, तो उसके लिए पूरा हज अदा करने वाले की मानिंद सवाब है। तो हम किस लिए आए हैं, मस्जिद तो नहीं आए, जूम पे आ गए, घरों पे आते थे, तो इंशाल्लाह सीखने सिखाने आए ना, तो हमें भी यही सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात की मिल जाए, क्योंकि हदीस में आता है। फिर ये अम्बिया का वरसा है, उलमा अम्बिया के वारिस हैं, और बेशक अम्बिया के विरासत धर्म दीनार नहीं होते बल्कि उनकी मीरास इल्म है। जिसने उसे हासिल किया उसने अम्बिया की विरासत से बहुत सारा हिस्सा हासिल कर लिया। तो हम ये हासिल करते हैं तो हम दरअसल अम्बिया की विरासत का बहुत सब हिस्सा हासिल कर रहे हैं। हम इस वक्त अम्बिया की विरासत ले रहे हैं, बेहतरीन माल है जो हासिल कर रहे हैं, माल से हम खुश होते हैं। इल्म का लफ्ज छोटा सा लगता है हालांकि इल्म माल से बढ़कर है, इल्म हासिल करना ज्यादा बड़ी दौलत है। एक हदीसे मुबारक है, रसूल अल्लाह ने फरमाया हर नबी के लिए एक दुआ होती है जो जरूर कबूल की जाती है, तो हर नबी ने इस दुआ को मांग लिया और मैंने अपनी दुआ को क़यामत के लिए अपनी उम्मत की शफाअत के लिए संभाल कर रखा हुआ है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हर उस आदमी के लिए होगी जो इस साल में फौत हुआ कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करवाया। तो यहाँ पे इल्म की फजीलत बताई गई, और जो है हम स्क्रीन पर भी देखते हैं इल्म इनकी फजीलत की दुआ इंशाल्लाह पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र किया गया, उनमें से एक आबिद था और दूसरा आलिम। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक आम आदमी पर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले यहाँ तक कि चूटियां अपनी सुराख में मछलियां उस शख्स के लिए जो नेकी और भलाई की तालीम देता है खैर और बरकत की दुआएं करती, इस वक्त ये मखलूक भी हमारे लिए दुआ करती। फुदैल बिन अय्याद कहते हैं मलकूत समावात आलम बाला में अमल करने वाले आलिम और मल्लम को बहुत बड़ी अहमियत और शख्सियत का मालिक समझा और पुकारा जाता है। तो हम लोगों के लिए इतना बड़ा दर्जा है जो इस हदीस में बताया गया आलम बाला में भी, ठीक है। तो शिर्क को खत्म करना है, ये कब होगा, जब सही तौहीद का इल्म होगा, कुरान का इल्म होगा। तो इसलिए हम में से हर एक को इसके लिए हरीस होना चाहिए कि नबी ससम की शफात के मुस्तहिक करार पाएं दीन के इल्म को आम करके। आयत 123, ऐ लोगों जो ईमान लाए जंग करो उन मुनकरीन हक से जो तुमसे करीब हैं और चाहते हैं और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से बाद लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि तुम में से किसके ईमान में उससे इजाफा हुआ। इसका जवाब यह है कि जो लोग ईमान लाए उनके ईमान में तो फिलवाके हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफा ही किया है और वो इससे दिलशाद हैं।
अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ था उसकी साबिक नजासत पर हर नई सूरत ने एक और निजासत का इजाफा कर दिया है और वो मरते दम तक कुफरी में मुब्तला रहेंगे। क्या ये लोग देखते नहीं है कि हर साल एक दो मरतबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं मगर उस पर भी तौबा करते हैं ना कोई सबक लेते हैं। जब कोई सूरत नाजिल होती तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं यानी मुनाफिकीन का तरीका है, बजाय इसके कि खुश हो कि नई सूरत आई वो परेशान होते हैं कि फिर मजीद अब क्या बात आ जाएगी, कौन सा हुक्म और कौन सी जिम्मेदारी पड़ जाएगी। तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं तुमको देख तो नहीं रहा तो चुपके से भागते हैं कि कोई काम हम पर ना आ पड़े। अल्लाह हुक्म दे जान लगाने है, माल लगाने है, या हमारा नाम ना लिखा जाए इसमें, कहीं अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए क्योंकि ये ना समझ लोगे ला यफ़्तहून। तो ना समझी जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ना पढ़ो वरना हिसाब देना पड़ेगा। तो मुनाफिकन की अलामत बार बार कुरान में ला यफ़्तहून बताई गई। इससे पता चलता है कि ला यफ़्तहून ना समझी अजाब है, बाइसे जिल्लत है, बाइसे रुसवाई है। खुशी की बात नहीं कि हम चुपके से भाग निकले कि हमें पता ही नहीं, तो हम भोले बनकर कह देंगे अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था कि तू क्या फरमाता था कि तू हम क्या करते। नहीं, हुज्जत तमाम हो गए, कुरान आ गया, जरूर हिसाब होगा। लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना उस पर शाक है। ये है एक लीडर की मोहब्बत अपने फॉलोअर्स के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मौलम नहीं थे, वो अपने एक एक तालिबे इल्म के साथ, एक एक सहाबी के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का मामला करते थे, उनके बारे में कंसर्न थे, और अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो उनको तकलीफ महसूस होती थी। यही अखलाक और किरदार हम सबका भी होनी चाहिए। तुम्हारी फलाह का वो हरीस है, ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। अगर ये तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कह दो, अब देखें स्क्रीन पर, फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह के वक्त और शाम के वक्त सात मरतबा हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, काफी है मुझे अल्लाह से वही माबूद बरक है, उसी पर मैंने भरोसा किया है, वही अर्श अजीम का रब है, कहे तो अल्लाह उसकी परेशानियों से उसे काफी हो जाए उसके कहने में, वो चाहे सच्चा हो या झूठा, यानी सच्चे दिल से पढ़े या झूठे दिल से करे, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाएंगे। तो सुबह शाम मुझे पता है आप लोग पढ़ती हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से हमारी सूरह तौबा इख्तिताम को पहुंची। अब हम जो है इंशाल्लाह सूरह यूनुस शुरू करते हैं। तो पहले तिलावत सुन लेते हैं दो आयात की। तो हम शुरू करते हैं सूरतुल यूनुस इंशाअल्लाह। तो हम देखते हैं कि सूरतुल यूनुस जो है, सूरतुल यूनुस का नाम हसबे दस्तूर महज अलामत के तौर पर आयत से लिया गया है, जिसमें इशारतन हजरत यूनुस का जिक्र आया है। सूरत का मौजू है बहस, हजरत यूनुस का किस्सा नहीं है। इसमें वो दलाइल है जो रबूबियत, तौहीद रबूबियत और हयात अख़वी के बाब में है। तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ये इस किताब की आयात है जो हिकमत और दानिश से लबरेज है। क्या लोगों को लिए ये अजीब बात हो गई कि तुमने खुद ही उन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे और जो मान लें उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है, यानी किताब के आने का मकसद क्या था और लोगों ने उसे क्या समझा। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, अर्श पर मुस्तवी हुआ और कायनात का इंतजाम चला रहा है। कोई शिफात करने वाला नहीं इल्ला ये कि उसकी इजाजत के बाद शिफात करे, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना आओगे, इसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, ये अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक पैदाइश की इब्तिदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, यानी मरने के बाद दोबारा जी उठना है।
ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको पूरे इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया वो खौलता हुआ पानी पिए और दर्दनाक सजा भुगतें इस इनकार हक की पादाश में जो वो करते रहे। वह लजी जाल शम्स दियान वल कमर अनूरा, वही है जिसने सूरज को उजाला बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर की ताकि तुम उससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ खेल के तौर पर नहीं बल्कि बामकसद ही बनाया है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। इसलिए मेरी बहनों इल्म हासिल करना जरूरी है। यकीनन रात और दिन के उलटफेर में और हर चीज में अल्लाह ने जमीन और आसमान में पैदा की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गलत बीनी से बचना चाहते हों। इन्न लज़ीना ला यर्जुना लिखाना व रदू बिल हयाति दुनिया, हकीकत यह है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्के नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी ही पर राजी और मुतमईन हो गए और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम होगा उन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तिसाब वो अपने इस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रह गए। तर्ज अमल ला यर्जुना लिखाना, अल्लाह के सामने खड़े होने की अल्लाह से मुलाकात की तवक्का नहीं, तवक्का ही नहीं, ख्याल ही नहीं, जहन ही नहीं, जहन से ही नहीं गुजरता, ईमान ही नहीं उस पर, और सारी तवज्जो कहाँ है? वरदू बिल हयाती दुनिया, से दुनिया दुनिया वत मानू बिहा, और उस पर पूरे मुतमईन है कि हम कामयाब लोग हैं। और कुरान के साथ क्या मामला है? वल्लज़ीना हम अन आयातिना गाफिलून, हमारी निशानियों से गाफिल हैं, कायनात की हो या किताब की, उलाइका मावाहुमुन नार, ऐसे लोगों का ठिकाना आग है। ये एक पूरा तर्ज जिंदगी है जिसके ऊपर सजा बताई जा रही है। तो हमें गफलत की जिंदगी नहीं जीना, क्योंकि गफलत की जिंदगी तो वो बसर करता है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता। तो ऐसे लोगों का ठिकाना फिर आग है जो उनकी कमाई के बदले में उन्हें मिलेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलु सौलियात, और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन्हें उनका रब उनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। यानी जब इंसान ईमान लाता है अमले सौले करता है, जब अमले सवाले करता है तो ईमान बढ़ता है, जब ईमान बढ़ता है तो इंसान के अंदर नेकी का शौक बढ़ता है, इस तरह इंसान की जिंदगी सीधे रास्ते पर चलती चली जाती है। तो ईमान बढ़ता है, जब ईमान बढ़ता है तो इंसान के अंदर नेकी का शौक बढ़ता है और इस तरह इंसान की जिंदगी सीधे रास्ते पर चलती चली जाती है। तो ईमान की वजह से हिदायत मिलेगी, यानी पहले ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसके तकाजे के तौर पर, मसलन नमाज पढ़ी, इबादत की, जब नमाज पढ़ी इबादत की तो ईमान और बढ़ा, जब ईमान बढ़ा तो नमाज से उठकर जिंदगी की बाकी जितने भी पहलू हैं उनमें भी अच्छे अच्छे काम करने में दौड़ लगा दी, और फिर जब अल्लाह ने बुलाया फिर वापस आ गए। तो ईमान अमल को और अमल ईमान को बढ़ाता चला जाता है और ये एक दूसरे के मददगार होते हैं और इंसान को सीधी राह मिलती चली जाती है। इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला हमें भी सीधी राह दिखाए। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, फी जन्नातिन नईम, नेमत भरी जन्नतों में, दावाहुम फिया सुभानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फिया सलामुन व आखिरु दावाहुम अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी आयत से हम अल्लाह ताला ने हमें सिखाया हर दर्स के बाद अच्छी महफिलों के बाद हम कहते हैं वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहाँ उनकी सदा ये होगी कि पाक है तू ऐ रब, इनकी ये दुआ होगी कि सलामती हो, और उनकी हर बात का खात्मा इस पर होगा कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। क्या दुनिया में भी हमारी हर बात का खात्मा इस बात पर होता है? इस बात पर होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी कोई तारीफ करे, जब कभी हमसे कोई खुश हो तो फौरन क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ तो अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर एक तो हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा काम किया, दूसरा ये कि असल तारीफ के लिए असल तारीफ तो अल्लाह के लिए। तो जो लोग दुनिया में ये तर्ज अमल इख्तियार करें वो आखिरत में भी जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो कहेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तूने ही रास्ता हमें दिखाया तो हम यहाँ पहुंचे, हमारे अंदर कोई कमाल नहीं था, ये तेरी तौफीक से, अल्लाह आपकी तौफीक से हम यहाँ बैठे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं और आगे भी हम पढ़ते रहें और अमल हमारे ऐसे हो जाए इंशाल्लाह, और आगे देने वाले शेयर करने वाले भी बने, इसकी रिकॉर्डिंग को इस मजलिस में बुलाने को और खुद भी शेयर करें। और अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी इतनी जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म हो जाती। आयत नंबर 11 खत्म हो जाती, उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी जा गई होती, मगर हमारे यहाँ ये तरीका नहीं। इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्का नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट दे देते हैं।
आयत नंबर 12, इंसान का हाल ये है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े बैठे और लेटे हमको पुकारता है। ये है मुश्किल का फायदा, वरना हम कहाँ याद रखते अल्लाह को खड़े बैठे उठते, मगर जब हम उसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है कि गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त में हमें पुकारा ही ना था। ये भी अल्लाह ताला देख रहा होता है कि ये शख्स क्या कर रहा है। इस तरह आज से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को जो अपने वक्त में बरसरे उरूज थी हमने हलाक कर दिया, जब उन्होंने जुल्म की रविश अख्तियार की और उसके रसूल और उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान ला कर ही ना दिया। इस तरह हम मुजरिमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। अब इनके बाद हमने तुमको जमीन में उनकी जगह दी है ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो। खिताब अहले अरब से, जब उन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्का नहीं रखते कहते हैं कि इसकी बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तब्दीली कर लो, यानी जो आखरत को नहीं मानते। सही तौर पर वो कुरान के मुताबिक खुद को बदलने की बजाय कुरान को तब्दील करना चाहते हैं। आप कहिए कि मेरा ये काम नहीं कि अपनी तरफ से मैं इस कुरान में कोई तब्दीली करूं, मैं तो बस इस वही की पैरोकार हूं जो मेरे पास भेजी जाती। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का डर है। और कहिए अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें पढ़कर कभी ना सुनाता, अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक ना देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? नबूवत से पहले आप सदम को सादिक और अमीन कहते थे ना, तो वही बात है। इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या इसकी आयात को झुठलाए? बेशक हकीकत यह है कि मुजरिम लोग कभी फलाह नहीं पाते, कामयाब नहीं हो सकते। फिर उनके शिर्क का जिक्र है, ये लोग अल्लाह की सिवा इनकी परस्तिश करते हैं जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना नफा। कहते हैं कि अल्लाह के हमारे सिफारशी हैं। आप उनसे कहिए क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे ना वो आसमानों में जानता है और ना जमीन में, यानी जिस बात का कोई वजूद ही नहीं कि वो सिफारशी हो। पाक है और वो बाला और बढ़कर उस चीज से जो ये लोग करते हैं। नंबर 19, इब्तिदा में सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने अकीदे और मसलक बना लिए। और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय ना कर ली गई होती तो जिस चीज में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो उनसे कहिए गैब का मालिक व मख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा, इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के बारे में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। उनसे कहो अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है, उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मकारियों को कलम बंद करें। यानी तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, तुम अल्लाह के खिलाफ कोई तदाबीर साजिश नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हान तआला तुमसे बढ़कर मुदब्बिर है, तदबीर करने वाला और तुम्हारी सारी चालों को तोड़ करना जानता है। उसके बाद हम देखते हैं आयत 22, और वो अल्लाह ही है वो अल्लाह ही है जो तुमको खुश्की और तरी में चलाता है। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मुवाफिक पर फरहा और शादा सफर कर रहे होते हो और फिर यकायक बादे मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपड़े लगने लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए, उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिज करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दी तो हम तेरे शुक्रगुजार बन जाएंगे। यानी मुसीबत में फिर वो अल्लाह को पुकारते हैं, दावाउल्लाहु मुखलिसीना लहुद्दीना, फिर उन्हें कोई और याद नहीं आता। तो ये असल में अकरमा बिन अबू जहल, यानी अबू जहल का बेटा था, जब मक्का फतह हुआ तो ये वहां से फरार हो गए, ठीक है, बाहर किसी जगह जाने के लिए। कश्ती में सवार हुए तो कश्ती यही तो तूफान का बताया गया ना शायद, तो कश्ती तूफान हवाओं की जद में आ गई, जिस पर मल्ला ने कश्ती में सवार लोगों से कहा आज अल्लाह वाहिद से दुआ करो। देखिए मुशरिक थे, उनको पता था कि अब अल्लाह ही मदद करेगा। आज अल्लाह वाहिद से दुआ करो कि वो तुम्हें इस तूफान से निकाल दे, इसके सिवा कोई निजात देने वाला नहीं है। तो हजरत इकमरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने सोचा अगर समंदर में निजात देने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है, कहाँ तो वो भागे थे आप सबसे दूर जब मक्का फतह हुआ, तो वो कहने लगे कि जब समंदर में निजात देने वाला सिर्फ एक अल्लाह है तो खुश्की में भी यकीनन निजात देने वाला वही है। और यही बात मोहम्मद ससम कहते हैं, चुनाचे उन्होंने फैसला कर लिया अगर यहाँ से मैं जिंदा बचकर निकल गया तो मैं मक्का वापस जाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। चुनाचे ही नबी ससम की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए।
उसके बाद हम देखते हैं एक हदीस मुबारक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगो, जान लो कि बेशक अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। जब आप दुआ मांगे तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। अगर आप गाफिल होंगे, अगर हमारी तवज्जा नमाज से भी हट जाती तो अल्लाह भी हटा लेते हैं, और अगर हमारी तवज्जा दुआओं से कहीं से भी हट जाती तो अल्लाह भी अपनी तवज्जा हटा लेते हैं। तो यहाँ पर इस हदीस को लाने का मकसद ये है कि ऐसा शख्स जो अल्लाह का इनकारी भी होता है, देहरिया और मुनकर भी होता है, जब मुसीबत पड़ती तो पूरे दिल से अल्लाह से दुआ करता है और उसकी दुआ कबूल हो जाती, अल्लाह उनकी भी सुनता है, तो क्या वो अपने बंदों की नहीं सुनेगा, मोमनों की नहीं सुनेगा? शर्त क्या है कि जब मांगो तवज्जा से मांगो, जरूर मिलेगा। मगर जब वो उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत उल्टी तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। दुनिया के चंद रोजा मजे हैं, लूटो, फिर तुम हमारी तलब पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जब जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सवरी खड़ी थी, उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम उनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसको ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हों। आयत 25, और अल्लाह दारुसलाम की तरफ दावत देता है, यानी जन्नत की तरफ बुला रहा है। दारुसलाम जन्नत का एक नाम है। दुनिया के आखिर फायदे छोड़कर उस हमेशा की जन्नत की तरफ लपो, वो जिसको चाहे सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। लल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़्यादा, जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मजीद फजल भी है। तो यहाँ मजीद फजल क्या है? अल्लाह सुब्हान व तआला का दीदार, या अल्लाह हमें नसीब कर दीजिए। हदीस मुबारक में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में चांदी के दो बाग होंगे जिनके तमाम बर्तन और दूसरी चीजें चांदी की होंगी, और दो बाग सोने के होंगे जिनके बर्तन और सारी चीजें सोने की होंगी, और जन्नत अदन में जन्नतियों के अपने रब के दीदार में कोई चीज रुकावट ना होगी सिवाय किबरियाई की चादर के जो उसके चेहरे पर होगी, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला के बगैर, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला के। दूसरे हम देखते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला के चेहरे पर। फिर हम देखते हैं दूसरी हदीस मुबारका के, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और उस वक्त अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा, तुम्हें किस चीज, तुम्हें कोई चीज चाहिए जो तुम्हें मजीद अता करूं? वो जवाब देंगे कि क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं किए? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और दौज़त से निजात नहीं दी? आप सच ने फरमाया, चुनाचे उस पर अल्लाह ताला पर्दा उठा देगा तो उन्हें कोई चीज ऐसी अता नहीं होगी जो उन्हें अपने रब अज़्ज़ोजल के दीदार से ज्यादा महबूब गई। अल्लाह हमें भी अपना दीदार करवा दीजिएगा। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। आयत नंबर 27, जिल्लत उन पर छा रही होगी मगर उनसे अल्लाह उनसे आयत 27, और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसे ही वो बदला पाएंगे, जिल्लत उन पर छा रही होगी मगर अल्लाह से उनको कोई बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हों। वो दोज़ख़ के मुस्तहिक़ हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज हम उन सबको एक एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे, ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे शरीक भी। फिर हम उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और उनके शरीक कहेंगे, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, अगर तुम हमारी इबादत करते भी थे तो हम तो तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। यानी दुनिया में जिन फरिश्तों को, देवताओं को देवी करार देकर लोग उनकी पूजा करते थे या किसी मजार वाले की, कयामत के दिन वो फरिश्ते बिल्कुल इनकार कर देंगे। जिन इंसानों को बुजुर्ग, पीर, फकीर मानकर वो उनकी इबादत करते थे वो उससे बरी उजिमा हो जाएंगे। वो कहेंगे, हम तो बिल्कुल बेखबर थे, हमें नहीं मालूम था कि तुम क्या कर रहे थे। आयत 30, इस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा, सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे, वो सारे झूठ झूठ जो उन्होंने घर रखे थे गुम हो जाएंगे। उनसे पूछो, कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? ये समात और ये बिनाई की कुवत किसके इख्तियार में है? इसके इख्तियार में क्या ये फरिश्ते दे रहे हैं
या कोई इंसान दे रहा है या कोई बुजुर्ग दे रहा है, अगर बुजुर्ग देते हैं तो उनकी अपनी निगाहें क्यों कमजोर हो जाती, वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं, वो क्यों मर जाते हैं, वो कब्र में क्यों चले जाते हैं। सारी ताकत और इख्तियार हर नफे नुकसान का मालिक अल्लाह सुबहाना ताला है, इसलिए जब भी कोई हाजत हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगे, और जब भी किसी मुसीबत से बचना हो तो किसी और को नहीं पुकारें, सिर्फ अल्लाह को पुकारें। कौन है बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है, कौन इस नज़म आलम की तदबीर कर रहा है, वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह फिर तुम हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज क्यों नहीं करते। 32 तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराह के सिवा बाकी क्या रह गया है, आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो। इस तरह नाफरमानी इख्तियार करे, इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई है कि वो मान कर ना देंगे। उनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में है कोई जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता हो, कुछ पैदा किया हो और फिर इसका इआदा भी करे, यानी खत्म करके फिर दोबारा बना सके। कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है, उसका इआदा भी करता है, फिर ये तुम किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो। उनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में ऐसा भी कोई है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो, कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है, फिर भला बताओ जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो उसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए। अगर तुम आखिर तुम्हें क्या हो गया है, कैसे उल्टे फैसले करते हो। हकीकत यह है कि उनमें से बहुत से लोग महज कयास और गुमान के पीछे चलते चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान है हक की जरूरत को खुद भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है, और ये कुरान वो चीज नहीं जो अल्लाह की वही और तालीम के बगैर तसनीफ कर लिया जाए, कोई इंसान इसको नहीं बना सकता, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका है उसकी तस्दीक और अलकिताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगम्बर ने इसे खुद तसनीफ कर लिया है? कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी तसनीफ कर लाओ, और एक अल्लाह को छोड़कर जिसको बुला सकते हो मदद के लिए बुला लो। असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसका अंजाम भी उनके सामने नहीं आया उसको उन्होंने झुटला दिया। इस तरह तो उनसे पहले के लोग भी झुटलाए जा चुके हैं, फिर देखो इन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। उनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब इन मुफसिदों को खूब जानता है। अगर तुझे झुटलाते हैं तो कह दें मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो और जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। 42 वमिनहुम मन यस्तमीउना इलैका अफअंता तुस्मिउ सुम्मा वलौ कानू ला यअक्लून। उनमें से बहुत से लोग हैं जो तेरी बात सुनते हैं लेकिन हकीकत में सुनते कोई नहीं, सुनते तो समझ ना जाते, समझ के ईमान ना ले आते, मगर क्या तुम बहरों को सुनाओगे तो वो कुछ ना समझते हो। इनमें से बहुत से लोग हैं जो आपको देखते हैं, मगर क्या आप अंधों को राह बताएंगे क्वा उन्हें कुछ ना सूझता हो। हकीकत यह कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं और जिस रोज अल्लाह उनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी उन्हें ऐसे महसूस होगी गोया कि ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। बस इतनी सी देर है कि लोगों को पहचाना ही था और बात खत्म हो गई। इस वक्त तहकीक हो जाएगी, इस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिल वाकई सब घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और हरगिज राय रास पर ना थे। जिन बुरे नताइज से हम उन्हें डरा रहे हैं उनका कोई हिसाब तेरे जीते जी दिखा दें या इससे पहले ही तुझे उठा ले। बहरहाल उन्हें आना हमारी तरफ है और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला कर दिया जाता है पूरे इंसाफ के साथ और उस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। यानी जब पैगंबर आता है दावत देता है लोग मान लेते हैं और कुछ नहीं मानते, जो नहीं मानते उन्हें मोहलत दी जाती है, बार बार समझाया जाता है, बिलाखिर पकड़ लिया जाता है और फिर जुल्म नहीं होती जैसे नूह अलैहिस्सलाम, कौम लूत अलैहिस्सलाम, आद और समूद की हुई और कौम फिरौन की हुई। ठीक है, कहते हैं कि अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कौन सी धमकी? कब कयामत आएगी? कब अजाब आएगा? कहिए, मेरे इख्तियार में खुद अपना नफा नुकसान भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। यानी इख्तियारात का मालिक तो सरासर अल्लाह ही है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की ताखीर भी नहीं होती। उनसे कहिए, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह का अजाब अचानक रात को आ जाए या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए ये मुजरिम जल्दी मचा रहे हैं? अजाब जल्दी मांगते थे ना,
कहते थे अच्छा तुम जिस अजाब की आप धमकी दे रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ले आइए, अजाब भी ऐसी चीज है जिसका इंतजार किया जाए, उससे तो पनाह मांगनी चाहिए ना, क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी वक्त तुम उसे मानोगे, अब बचना चाहते हो उस वक्त कहेंगे या अल्लाह हमें इससे बचा, हम इसे नहीं, हम इसमें नहीं जाना चाहते, हालांकि तुम खुद ही उसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, जो कुछ तुम करते रहे उसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है। फिर पूछते हैं कि क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो, कहो मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि जहूर में आने से रोक दो। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रुए जमीन की दौलत भी हो तो उसे अजाब से बचने के लिए वो इसे फिदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। जब ये लोग इस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर ना होगा। आसमानों जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सुन रखो अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूरि व हुदा व रहमतुल लिलमुमिनीन। ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी है, ये वो चीज़ है जो दिलों की इमराज की शिफा, ये आयत शिफा है, ठीक है। कौन सी चीज़? कुरान। कुरान बीमारियों के इलाज का जरिया है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान सीनों की बीमारियों की शिफा है। स्क्रीन पर देखिएगा, कुरान जो है दिलों सीनों की बीमारियों की शिफा है। दिल की घुटन, वसवसे, बुरे ख्यालात, फासिद इरादे जो शैतान इंसान के दिल में डालता है वो निकाल देता है कुरान, इंसान को अंदर से साफ सुथरा कर देता है। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम किताब है। एक हदीस मुबारक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उनके पास तशरीफ़ लाए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, तो देखा कि एक औरत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इलाज कर रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताब अल्लाह के साथ इलाज करो। तो कुरान मजीद में जो है वो शिफा है, जैसे सूरतुल फातिहा पढ़ना, खासतौर पर अगर मरीज के पास बार बार पढ़ी जाए या रुकिया शरिया पढ़ा जाए तो बिज़्निल्लाह शिफा होती है। फरमाया दिलों के अमराज की शिफा है, जो इसे कबूल कर ले तो उनके लिए रहनुमाई और रहमत भी है, यानी शिफा भी है, हिदायत भी है और रहमत भी है। एक और हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, उसकी तालीम में मसरूफ होते हैं, उस पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, यानी इकट्ठे मिलकर पढ़ने का ये सवाब है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों की महफिल में करते हैं, तो ये सारे अजर हमारे साथ हो रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हम मिलके पढ़ रहे हैं ना, जमा होके पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हम पर भी इंशाल्लाह तस्कीन नाजिल हो रही है। अल्लाह सुभान तआला से हमें उम्मीद है कि हम सबका जिक्र भी अपने फरिश्तों में करे, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी इनायत है। इस पर अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं अगली आयत में, ये अल्लाह का फजल और रहमत है, इस पर खुश हो जाओ। हमें खुश होना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए, बोझ समझ कर कुरान को कभी ना पढ़े, ठीक है। अब यह आयत नंबर 58 यूनुस की, इसको तो रट ले। कह दीजिए कि अल्लाह का फजल है, उसकी मेहरबानी है कि ये चीज, ये किताब उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए, ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें ये लोग समेट रहे। मुझे इतनी पसंद है वो हुआ खैर मिम्मा यजमाउन, ठीक है। कोई भी आपको कहे कुरान के बारे में, क्लासेस के बारे में, आप अच्छी बहुत ज्यादा इबादत गुजार हो, तो आप ये आयत बता दीजिए, ये तो अल्लाह का फजल है और रहमत है और मेहरबानी है जो अल्लाह ने उतारी हम पे, इस पर तो खुशी मनाना चाहिए, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, और ये उन चीजों से बेहतर है जिन्हें ये लोग समेट रहे हैं। यहाँ खुशखबरी दी गई, फबिज़ालिका फलियफ़रहु, खुश हो जाओ। इससे पहले इसी पारे में एक और चीज पर भी खुश होने को कहा गया है, किस चीज पर? फस्तबशिरू बिबाइकुम लज़ी बायातुम भी, सूरह तौबा 111 ने पढ़ा था, जो शख्स अल्लाह से वादा कर ले अल्लाह मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, जानो माँ से, ये कमिटमेंट किसी इंसान से नहीं होती, ये अल्लाह से होती है जो अल्लाह के साथ कमिटमेंट करता है, निभाता भी है, चाहे उस पर कैसी भी मुश्किल हो, दो दो घंटे आ जाए दौरा कुरान में, तो ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी है। और दूसरे, और कोई भी नेकी का काम, और तो ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी है जो दूसरे इस कुरान की नेमत को पाने पर खुशखबरी है, ये अल्लाह का फजल है जो
हम पर हुआ है, उसकी रहमत है जो नाजिल हो रही है इस वक्त, ये इन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं इसके एक एक अल्फाबेट पे, वर्ड पे नहीं, अल्फाज पे नहीं, लफ्ज पे नहीं, एक एक अल्फाबेट पे, एक एक हरूफ तहज्जी पे हमें दस दस नेकियों का सवाब मिलता है, मिल रहा है इस वक्त। आप सबने फरमाया मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम, मैं कहता अलिफ पे दस नेकियां, लाम पे दस नेकियां, और मीम पे दस नेकियों का सवाब, तो 30 हो गए अलिफ लाम मीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा है इसमें से खुद ही तुमने किसी को हलाल किसी को हराम ठहरा लिया, उनसे पूछिए अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी थी, यानी अल्लाह के कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते तुम, या तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो? जो लोग अल्लाह पर झूठा इफ्तरा बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क्यामत के रोज उनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे है जो शुक्र नहीं करते। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिकवा कर रहे हैं कि लोगों की अक्सरियत शुक्रगुजार नहीं है। ये कुरान नेमत है, इस पर हमारी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हमें कितना शौक है, कितने शौक से पढ़ते हैं, कितने शौक से इसमें अमल करते हैं, नेमत की शुक्रगुजारी, फिर हम इस पर अमल करने वाले भी हों, इसे दूसरों तक पहुंचाने वाले भी हों। आयत नंबर 61 कहीं भी उठे, अच्छा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस भी हाल में होते हैं, यानी कहीं भी उठे बैठे लेटे सोए जाते, कोई भी हाल अच्छी हालत हो तकलीफी हालत हो, और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो कोई भी हिस्सा, और लोगों को तुम जो कुछ भी करते हो उन सब उस सब के दौरान हम तुमको देखते रहते हैं। आप ससम को भी कह रहे हैं कि हम तुमको देखते रहते हैं। अल्लाह ताला तो अपने इल्म से की वजह से हर जगह सबको देख रहे हैं। आयत 62 सुनो जो अल्लाह के दोस्त हैं, इन अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने जिन्होंने तकवा का रवैया इख्तियार किया, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा, किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा। हम देख लेते हैं एक हदीस से मुबारक देख लेते हैं, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, एक हदीस है इस पर स्क्रीन पे देख लेते हैं। हाँ नबी करीम सबसे ने फरमाया अल्लाह के बंदों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अंबिया और शोहदा तो नहीं होंगे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से जो मर्तबा उन्हें मिलेगा उस पर अंबिया और शोहदा रक्स करेंगे। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल आप हमें बताएं वो कौन लोग होंगे? आप सबसे ने फरमाया वो ऐसे लोग होंगे जिनमें आपस में खूनी रिश्ता तो ना होगा, जैसे हमारा खूनी रिश्ता नहीं, ना माली देन देन और कारोबार ना कारोबार होगा, लेकिन वो अल्लाह की जात की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखते होंगे। कसम अल्लाह की उनके चेहरे मुजस्सिम नूर होंगे, वो खुद पूर नूर होंगे, उन्हें कोई डर ना होगा जबकि लोग डर रहे होंगे, उन्हें कोई रंजो गम ना होगा जबकि लोग रंजिंदा हो गमगीन होंगे। अब सबसे ने ये तिलावत फरमाई अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़मून, याद रखो अल्लाह के दोस्तों दिखता है ना वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 63 जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा का रवैया अख्तियार किया उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा। आयत 64 दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में उनके लिए बशारत ही बशारत है, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। 65 ए नबी सल्लम जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं वो तुम्हें रंजिंदा ना करे, इज्जत सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, मरतबे और मनाजिल वही देने वाला है, वही सब कुछ सुनता और जानता है। जब हम अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, जब हम आप लोगों से जब हम दोस्त बन जाते हैं तो फिर हम फिर आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं होती है, तो हर चीज सीधी होने लगती है और आखिरत का अंजाम भी बहुत अच्छा होने लगता है। जब हम अल्लाह से डरते रहते हैं कि हर चीज अल्लाह के डर से कर रहे होते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, तो फिर क्या होता है हर चीज सीधी होने लगती है और आखिरत का अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। और हमने अभी हदीस मुबारक भी पढ़ ली कि अल्लाह नौलिया अल्लाह, उसके बाद हम देखते हैं आयत 66 अल्ला इन्ना लिल्लाही मा फी समावाती व मा फिल अर्द, अगर हो आसमानों के बसने वाले हों या जमीन के सब अल्लाह की ममलूक है, और जो लोग अल्लाह की सिवा कुछ और खुद साख्ता शरीकों को पुकार रहे हैं वो निरे वहम व गुमान के पैरोकार हैं और महज कयास आरइया कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया, उसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगम्बर की दावत को सुनते हैं। قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना दिया। सूरत मरियम 90-91 में भी आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बात से वो कहते हैं कि रहमान की औलाद है, करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और ये रेजा रेजा हो जाए।
सुबहानहु पाक है वो, उसे बेटे की जरूरत नहीं। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में। इन इन इंदकुम मिन सुल्तान बिहाजा, तुम्हारे पास आखिर इस कौल की क्या दलील है? कोई दलील नहीं। क्या तुम अल्लाह के मुतालिक वो बातें कहते हो जो तुम्हारे इल्म में नहीं कि उसको उसकी कोई औलाद है, उसका कोई बेटा है? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पाएंगे। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में मजे कर लें, फिर हमारी तरफ उनको पलटना है, फिर हम उस कुफ्र के बदले जिसका वो इर्तकाब कर रहे हैं उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। 71 वतलू अलैहिम नबा नूह, उनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना, उस वक्त का किस्सा जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए बरादरान कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयात सुना सुना कर तुम्हें गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है, तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुत्तफा फैसला कर लो और मुत्तफिका फैसला कर लो, और जो मंसूबा तुम्हारे पेशे नजर हो उसको खूब सोच समझ कर लो ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा ना रहे, फिर मेरे खिलाफ इसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज मोहलत ना दो। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान किया? मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार ना था, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, मुझे हुक्म दिया गया है, कोई माने या ना माने मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूं। उन्होंने उसे जुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने उसे और उनके लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे बचा लिया, उन्हीं को जमीन में जानशीन बनाया और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया था। बस देख लो कि जिन्हें मुतनबा किया गया था और फिर भी उन्होंने मानकर ना दिया उनका क्या अंजाम हुआ। और उनके बेटे भी गर्क होने वालों में थे ना नूह अलैहिस्सलाम के। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद मुख्तलिफ पैगम्बरों को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले झुटला दिया था उसे फिर मानकर ना दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी जो लोग हक का इनकार कर देते हैं फिर अल्लाह उनका दिल भी सख्त कर देता है, उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है हक को समझना। फिर उनके बाद हमने मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास हक उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम हक को ये कहते हो यानी हक को जादू कहते हो जबकि वो तो तुम्हारे सामने आ गया है, क्या ये जादू है? जादूगर कभी फलाह नहीं पा सकते। उन्होंने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें इस तरीके से फेर दे जिस पर अपने बाप दादा को पाया है और जमीन में बढ़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए? तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है तुम फेंको। फिर जब उन्होंने अपने आंचर फेंके दिए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो कुछ तुमने फेंका है ये जादू है, अल्लाह अनकरीब से बातिल कर देगा, अल्लाह मुफसिदों के काम को सुधरने नहीं देता। वह यहीकुल्लाहुल हक बिकलिमात ही, अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है। वलौ करीहल मुजरिमून, वह मुजरिमों को वो कितना ही नागवार क्यों ना हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जिन्नात और जादू का कुरान के मुकाबले में जोर नहीं चलता, कुरान के आगे बिल्कुल जोर नहीं चलता। ठीक है, तो उसके बाद फरमाया कि ये कितनी जबरदस्त आयत है, जो तुम लाए हो ये जादू है, और जो है उसके बाद कहा अल्लाह इसको बातिल कर देगा। इन अल्लाह ला युस्लिहु अमलुल मुफ्सिदीन व यहिकुल्लाहुल हक बिकलिमातिही, और अल्लाह हक को हक कर देगा अपने कलमात के जरिए। तो अल्लाह के कलमात हक है और हक प्रिवेल करता है, जादू नहीं प्रिवेल करता। तो इसलिए हर बीमारी जाने का एक वक्त होता है, जादू भी एक बीमारी होती है जिसमें शयातीन को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए इलाज है अल्लाह का कलाम। तो जादू का तोड़ जादू से नहीं हो सकता, अगर कोई करे भी तो वो ममनू है। इस तोड़ का तो इसका तोड़ क्या है? कलाम अल्लाह ही से करें। एक हदीस मुबारका है, उस्मान इब्न अबिल आस रदी अल्लाह ताला अनु कहते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी नमाज में ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया, ये शैतान का असर है, मेरे करीब आओ। मैं आपके करीब आया और पंजों के बल बैठ गया। आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और मेरे मुंह पर थुथकारा। थू थू क्या?
ऐसी फूंक जिसमें थोड़े खतरे भी हों, और फरमाया ऐ अल्लाह के दुश्मन निकल जा। आप उस्मान बिन अब्बास के चेहरे उस्मान इब्न अबी अलास के चेहरे पर नहीं, दरअसल शैतान पर थूक रहे थे, और फरमाया ऐ अल्लाह के दुश्मन निकल जा। आपने 3 बार ऐसा कहा, फिर फरमाया अपने काम पर चले जाओ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि मेरी उम्र गवाह है, उसके बाद मुझे कभी शैतान ने परेशान नहीं किया। तो किसी भी चीज़ पर कोई असर हो रहा हो तो सबसे पहले अपना ईमान मजबूत कर लें, खूब कुरान की तिलावत क्या करें, सुबह शाम के अस्कार पढ़ा करें, अपने ईमान को मजबूत करें, और इस तरह बोल कर कहें निकल जाओ चले जाओ, इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। फिर देखो मूसा अलैहिस्सलाम को 83, फिर देखो मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने नहीं माना, फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के सरबराहवर लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरौन उन्हें अजाब में मुब्तला करेगा। और वाकई ये था कि फिरौन जमीन में गलबा रखता था, और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर रुकते नहीं, यानी वो वाकई बड़ा ताकतवर था दुनियावी एतबार से। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, लोगों अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इस पर भरोसा करो, अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है, हमारे रब हमें जालिम लोगों के फितने हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना, और अपनी रहमत से हमें काफिरों से निजात दे। अल्लाह ही तवक्कलना रब्बना ला तजलना फितनतली कौम ज़ालिमीन मुनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौम काफिरीन। मूसा अलैहिस्सलाम उसके भाई को इशारा किया कि मिस्र में चंद मकान अपनी कौम के लिए मुहैया करो, और अपने इन मकानों को किबला ठहरा लो, और नमाज कायम करो, और अहले ईमान को बशारत दे दो। तो यानी इससे पता चलता है, यानी बाकायदा मसाजिद मराकज बनाने से अगर मना कर दिया गया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया पाबंदियां लग गई, तो घरों को ही मस्जिद मरकज बना लो, वहां इकट्ठे होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। तो ऐसे इलाकों में जहाँ लोगों के पास दूर दूर मसाजिद नहीं होती, वो अपने घर का कोई ना कोना मस्जिद बना लें जिसमें इकट्ठा होकर नमाज पढ़ें। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया, यहाँ इतना जबरदस्त हल पेश किया गया कि जब बाहर से पाबंदियां लग जाए तो भी अल्लाह का जिक्र ना छोड़े, और जहां मौका मिले इकट्ठा होकर अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि इकट्ठे होने में बरकत है। अभी आपने बताया ना हदीस पढ़ी के फरिश्तों का नजूर होता है, रहमत उनको ढांप लेती है। आयत नंबर 88, वकाला मूसा रब्बना इन्नका इन्नका आतैता फिरौना व मलाहु ज़ीनत व अमवालम फिल हयाति दुनिया। आए अब यहाँ फिरौन और उसके सरदारों के भी भटकने की वजह बताई जा रही है, वो है दुनिया की जीनत और दुनिया की मोहब्बत। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि है हमारे रब तूने फिरौन और उसके सरदारों को, आयत नंबर 88, वो नया मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि है हमारे रब तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और अमवाल से नवाज रखा। ऐ रब क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाएं? ऐ रब इनके माल गारत कर दे, या उनके दिलों पर ऐसी मोहर कर दे कि ये ईमान ना लाए जब तक दर्दनाक अजाब ना चखले। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, साबित कदम रहो और इन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए, फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज़ाती की गज़ से उनके पीछे चले, हत्ता के जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया अल्लाह को, उसके सिवा कोई इलाह नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे, और मैं भी सारे अताज झुका देने वालों में से हूँ। आमंतु इन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमंतु बिही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं भी मुसलमान हूँ, यानी मरते वक्त फिरौन ने भी इस्लाम का इजहार किया। क्या आप ईमान लाते हो? हालांकि उससे पहले तो तू नाफरमानी करता रहा, तू फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानी उससे गफलत बरतते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला का ये कौल सच साबित हुआ, और फिरौन की लाश आज भी प्रिजर्व है जो डूबने के बाद मिली थी, और उसकी सदाकत के तौर पर जब इसकी मम्मी के जिस्म से पट्टियां उतारी गई तो इन पट्टियों में नमक की तह थी। इससे पता चलता है कि ये वो फिरौन है जो डूबकर मरा था, और फिर जब फिरौन और उसके अहलकारों से निजात हुई तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अच्छा ठिकाना दिया। और हम देखते हैं कि सब इजिप्ट जाते हैं और उसकी लाश को देखते हैं, और ये आयत में बता दिया, हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और नहायत उमदा वसाइल जिंदगी उन्हें अता किए, फिर उन्होंने बाहम इख्तलाफ नहीं किया मगर उस वक्त जब इल्म उनके पास आ चुका था, यानी दीन में जो तफरकाबाजी की वो इल्म आने के बाद थी उन्होंने,
और एक वक्त था वो फिरौन की गुलामी में थे, फिर अल्लाह ने उन्हें निजात दी, फिर उनको हर तरह के वसाइल दिए, किताब दी, तौरात दी, पैगंबर दिए, उनको उनका मुल्क वापस लौटाया, सब नेमतें दी, उनके अंदर बादशाह भेजे, मुलुक भेजे, फिर उनके अंदर इनकी सरकशी आ गई, इनका गर्रा गुरूर आ गया और आपस में बढ़ गए और तफरकाबाजी शुरू कर दी, हत्ता कि उन्होंने अपनी सल्तनतें भी बांट ली थी और कहने को सब उस वक्त के मुसलमान थे। यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज उनके दरमियान उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें इख्तलाफ करते रहे। 94, अब तुझे अगर इस हिदायत की तरफ से कुछ भी शक है जो हमने तुझ पर नाजिल की तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं, फिल वाक़े ये तेरे पास हकी आया है तेरे रब की तरफ से, लिहाजा तू शक करने वालों में से ना हो और उन लोगों में ना शामिल होना जिन्होंने अल्लाह की आयत को छुटाया, वरना तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, हकीकत यह है कि जिन लोगों पर तेरे रब का कौल रास्त आ गया उनके सामने ख्वा कोई निशानी भी आ जाए वो कभी ईमान लाकर नहीं देंगे जब तक के दर्दनाक अजाब सामने आता ना देख लें। फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देकर ईमान लाई हो और उसका ईमान उसके लिए नफामंद साबित हुआ हो। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी और यूनुस की कौम के सिवा उसकी कोई मिसाल नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई थी तो अलबत्ता हमने उस पर से दुनिया की रसवाई का अजाब डाल दिया, उसको एक मुद्दत तक दुनिया की जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दे दिया। यानी जब ये कौम ईमान लाई तो उनकी मोहलत उम्र में भी इजाफा कर दिया गया। असल में हुआ ये था कि उनके पैगंबर उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे और ये बात नहीं मानते थे, तो पैगंबर अल्लाह का फैसला आने से पहले ही नाराज होकर चले गए यूनुस अलैहिस्सलाम, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आता था कि कौम को छोड़ दो, रात को निकल जाओ, जो भी आता था तो तब पैगंबर चलते थे। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो बात नहीं मानते थे, तो पैगंबर ने क्या किया यूनुस अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का फैसला आने से पहले नाराज होकर चले गए। मशहूर वाकया ये है कि किसी तरह वो अपनी बस्ती छोड़ गए और साहिल समंदर में पहुंच गए, वहां एक कश्ती जा रही थी, उसमें बैठकर नाराज होकर दूर जाने का इरादा किया यूनुस अलैहिस्सलाम ने। रास्ते में कश्ती डूबने लगी तो लोगों ने कूड़ा डाला, किसी एक को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए ताकि बाकी मुसाफिर बच जाए क्योंकि ओवरलोड है। कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला, उन्हें दरिया समंदर में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने आकर निगल लिया। वहां मछली के पेट में उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, तू अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और मछली ने साहिल पर आकर उन्हें उगल दिया। फिर उन्होंने अल्लाह सुभान तआला की भेजी हुई रिजा खाई और दवा ली और फिर वो सेहतयाब हो गए। इस दौरान पीछे से कौम की बड़ी परेशानी हुई कौम को कि हमारा पैगम्बर नाराज हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई सीधे हाथों नहीं मानता, जब उसको पाई जाए तो कबूल कर लेता, अक्सर इंसानों की यह नफ्सियात होती है। तो इस पर सब लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने तौबा शुरू कर दी यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने, तो उनकी तौबा कबूल होगी क्योंकि उनका पैगंबर उन्हें छोड़ कर गया था। इसके बाद एक मुद्दत तक उन्हें जीने का मौका दिया गया, उनका पैगंबर भी वापस आ गया, यूनुस अलैहिस्सलाम हंसी खुशी रहने लगे। जब मौत के फरिश्ते नजर आते हैं, जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाए तो किसी की तौबा कबूल नहीं होती लेकिन जिंदगी में कबूल हो जाती। अगर तेरे रब की मशीयत ये होती, 99, तेरे रब की मशीयत ये होती कि जमीन में सब मोमिन और फरमा बरदारी हों तो सारे अहले जमीन ईमान ले आते, यानी अल्लाह सुब्हान तआला सबको जबरदस्ती मोमिन बना देता, फिर क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि मोमिन हो जाए? इसका ये मतलब नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्ती कोई मोमिन बनाना चाहते थे, अल्लाह ताला आपको रोक रहे हैं। असल में नबी सल्लम को खिताब करके लोगों को सुनवाना मकसूद है दरअसल, ठीक है, कि बहुत दफा खिताब आप ससम को होता है बजाहिर लेकिन सुनवाना किसी और को मकसूद होता है हम लोगों को। वमाकानी नफसिन अनुमिना इल्ला बिज़्निल्लाह, कोई नफ्स अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर ईमान नहीं ला सकता, सारी नेमतें अल्लाह के इख्तियार में हैं और ईमान भी एक नेमत है। तू जिसके बारे में अल्लाह इज़्ज़त से दे उसी को ईमान मिलता है और वो किसको देता है जो तालिब होते हैं। और अल्लाह का ये तरीका है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो उन पर गंदगी डाल देता है। उनसे कहिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ है उसे आंखें खोलकर देखो और जो लोग ईमान लाना नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और तंबियात आखिर कैसे मुफीद हो सकती है, यानी फिर उन्हें फायदा नहीं पहुंचता। अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के मुंतजिर है कि वही बुरे दिन देखे जो उनसे पहले गुजरे लोग दे चुके हैं। उनसे कहिए अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ, तो जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और उनके उन लोगों को हम अपने रसूलों को जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए। हमारा यही तरीका है कि हम पर ये हक है कि हम मोमिनों को बचा लें। 104,
اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. یہ کتنا خوبصورت رب کا تعارف ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, آخر وہ دن آنا ہی ہے. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز ہرگز مشرقین میں سے نہ ہو جاؤں اور 106 اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکاروں جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. شرک کی تردید کی جا رہی ہے, دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے, سجدہ بھی کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے, قربانی بھی کسی کے نام پر نہیں کی جا سکتی. تو یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ ہی کے لیے کرنا ہے, اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم میں سے ہوگے. 107 اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت سے نکال دے. بار بار اسی کی طرف پلٹتے جائیں گے, رجوع کرتے جائیں گے, اور یوں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالتا ہے اسی لیے ہے کہ ہماری رکاوٹیں دور ہو جائیں, ہم اس کے بن جائیں. اگر وہ تیرے حق میں بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے, وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ان لوگوں سے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے, اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے, اور میں تمہارے اوپر حوالے دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ سورۃ الیونس ختم ہو گئی, اور صرف 5 آیتیں سورۃ الہود کی ہیں اس پارے میں, 5 آیتیں. ویسے سورۃ الہود تو پوری ہماری 12 پارے میں کل جائے گی, تو انشاءاللہ ہم تلاوت سن کے بس ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں. چلے سورۃ الہود, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ سورۃ الہود ہے, اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے, عذاب الہی کا نشانہ بنی, اور تاریخ کے صفات پر یا تو صرف صفائے ہستی سے مٹ گئیں, یا تاریخ کے اوراق پر عبرت کا نمونہ بنی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا بات ہے, آپ سسم بوڑھے سے نظر آتے ہیں. تو آپ سسم نے فرمایا, مجھے سورۃ الہود, سورۃ الواقعہ, اما یا تسالون اور عزت شمس و قوت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے. فرمان ہے جس کی فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کے لیے, میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو, اس کی طرف پلٹ آؤ, تو وہ ایک مدت خاص تک تمہیں سامان زندگی دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. یہ ہیں استغفار کے فائدے کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے گا, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. حسن بصری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو اجرت پر رکھا تو سارا راستہ وہ دو جملے بولتا, سنے بہت انٹرسٹنگ, دو جملے بولتا تھا, الحمدللہ استغفر اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ. تو حسن بصری رحم اللہ نے کہا کہ بات ہے
क्या बात है, तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहे, यही दो बातें करे जा रहे हो और यही दो वजीफे पढ़ रहे हो। उसने कहा कि मैंने आधा कुरान हिफ्ज कर लिया है और मैं ये नतीजा देखा कि बंदा दो हालतों में से एक हालत में होता है, या नेमत की हालत में या तकलीफ की हालत में, या उसे अलहमदिल्ला कहना होता है या अस्तगफिरुल्लाह। हसन बसरी कहने लगे, ए हसन, ये मजदूर तुमसे ज्यादा समझदार है, या हम पर कोई मुश्किल होती है तो हमारे गुनाह की वजह से होती है, तो इस्तग़फार इस मुश्किल को दूर करता है, या फिर हमें कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह के फजल से होती है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होते हैं, तो ये इस्तग़फार के फायदे हैं, कसरत से इस्तग़फार करते रहिए। तो आखिरी आयत देखो, ये लोग जब अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाए, यानी आपसे सम से खबरदार, जब ये कपड़ों से आप अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह उनके छुपे को भी जानता है, खुले को भी, तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में। मक्के में लोग दूर से आप सस्म को देखते थे तो क्या करते थे कि मुंह फेर लेते थे या कपड़े से मुंह छुपा लेते थे, आपकी दावत को सुनने से बेजारी का इजहार करते थे। चले अब हम इंशाल्लाह ये दुआ करते हैं कि जो आयत नंबर उसमें हम छोटी सी दुआ आयत नंबर 112 में हम पढ़ी थी, उसको स्क्रीन पर भी देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और क्या समझा था। वही अल्लाह ताला हमें बना दे, अत्ताइबूना, तो तौबा करने वाले अल्लाह हमें बना दे। अलाब जो हमने आयत नंबर 112 सूरह तौबा में पढ़ी, अल्लाह ताला हमें ताइबुना तौबा करने वालों में बना दे। अलाबिदुना इबादत गुजार बना दीजिए। अल हामिदुना अल्लाह की तारीफ करने वाला हम करने वाला बना दीजिए अल्लाह ताला, और जो है बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हम्माद बना दीजिए। असाइहून रोजा रखने वाले बना दे, अल्लाह की राह में सियात करने वाले, सियात भी करें तो अल्लाह की राह में करें। राकेऊन रुकू करने वाला बना दे। साजिदून सज्दा करने वाला, यानी कसरत के साथ नमाज पढ़ने वाले। अलामिरून बिल मारूफ नेकी का हुक्म देने वाला बना दीजिए। मुनकिर से रोकने वाला बना दीजिए। अलामिरून बिल मारूफ वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाला हमें बना दीजिए। अल्लाह की हुदूद से मुराद वो काम जिनको अल्लाह ने करने से रोका है। और फिर अल्लाह इसमें आपने फरमाया बशरिल मोमिनीन, मोमिनों को आपने खुशखबरी सुना दी है इसमें, ये ऐसे काम करने वालों के लिए खुश रहिए। तो अल्लाह ताला हमें ताइबून, आबिदून, हामिदून, अम्मादून, असाइहून, राकिऊन, असाजिदून, या अल्लाही अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाले बना दे। हाफिजून ली हुदूदिल्लाह बना दीजिए, और ये इन खुशखबरी पाने वालों में इसमें हमारा नाम लिख दीजिए। तो बस हम अब देखते हैं कि हमारा कितना अल्लाह ताला ने फजीलत देखते हैं, और फिर हम खत्म करते हैं कि क्या फजीलत की हदीस जो देख लेते हैं, अभी गुजरी है दोबारा से उसको देख लेते हैं कि ये महफिल की क्या फजीलत है। रसूल असलम के सामने दो आदमियों का जिक्र किया गया, उनमें से एक आबिद था और दूसरा आलिम था, हदीस मुबारका है। तो रसूल अल्लाह सल्लम ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक आम आदमी पर है। स्क्रीन पे दिखा दें, रसूल असलम ने फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले, यहाँ तक कि चूटियां अपनी सुराख में, मछलियां उस शख्स के लिए दुआ जो नेकी और भलाई की तालीम देता है, खैर और बरकत की दुआएं करती हैं। तो ये मखलूक हमारे लिए दुआ करती है क्योंकि हम इस महफिल में हैं। ये सारा जो कुछ हदीसों में हम पढ़ा, ये फायदे, ये फजीलत है सारी। मलकुत फुदैल बिन अयाद कहते हैं, मलकुत समावाती आलम बाला में अमल करने वाले आलिम और मुअल्लिम को बहुत बड़ी अहमियत और शख्सियत का मालिक समझा और पुकारा जाता है। तो हमें इंशाल्लाह आलम बाला में फरिश्तों की महफिल में बहुत बड़ी अहमियत और शख्सियत का मालिक समझा गया, क्योंकि आयत भी थी वो बिज़ालिका फलियफ़रहून, इस कुरान पे तो खुश होइए और क्या कीजिए, वो हुआ खैर मिम्मा यजमून, ये उन सब चीजों से बेहतर है जो तुम लोग जमा करते हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। चले अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात। इंशाल्लाह जो आप लोगों ने फजाइल देखे, इतने हमें अजर व सवाब मिल रहे हैं, तो दूसरी बहनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और सबको शामिल करें, की कोशिश करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और कल हमारा 12वां पारा होगा। और हमारी नूरजा बहन जो है वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रही थी। नूरजा बहन, सिस्टर नूरजा आप हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, बोलिए बोलिए।